स्वागतम, खुश आमदीद। रूपम चित्र आपकी सेवा में पेश करता है अपना नया चित्र बावर्ची। बावर्ची के नेपथ्य कलाकार, स्टोरी तपन सिन्हा, स्क्रीन प्ले ऋषिकेश मुखर्जी, डायलॉग गुलजार, सॉन्ग कैफी आजमी, फोटोग्राफी जयवंत पठारे, साउंड जॉर्ज डिक्रूज, सॉन्ग रिकॉर्डिंग भंसाली और कौशिक, री रिकॉर्डिंग मंगेश देसाई, आर्ट अजीत बैनर्जी, एडिटिंग दास धाईमादे, मेकअप श्याम खांडेकर, प्लेबैक लता मंगेशकर, मन्ना डे, लक्ष्मी शंकर, निर्मला अरुण, हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, कुमारी फैयाज और किशोर कुमार। डांस गोपी कृष्ण, प्रोसेसिंग फिल्म सेंटर अच्युत गुप्ते, डायलॉग डायरेक्शन वीरेंद्र त्रिपाठी, एसोसिएट डायरेक्टर अनिल घोष, एसोसिएट प्रोड्यूसर रोमू एन सिप्पी। पीछे से आवाज, मेरा मतलब है पर्दे के पीछे से आवाज यानी कमेंट्री मेरी अमिताभ बच्चन। म्यूजिक डायरेक्टर मदन मोहन, प्रोड्यूस्ड बाय एनसी सिप्पी और ऋषिकेश मुखर्जी, डायरेक्टेड बाय ऋषिकेश मुखर्जी। इस नाटक का स्थान है भारत, भारत में कहीं भी, काल आजकल, और पात्र चलिए आपको मिला दें उन सबसे। हमारे पात्र सबके सब इसी मकान में रहते हैं, कुछ बाहर के भी हैं लेकिन ज्यादातर इसी मकान में रहते हैं। इस मकान का नाम है शांति निवास। देखिए नाम पे मत जाइए, अंदर जाएंगे तो पूरा युद्ध भवन दिखाई देगा। इस घर के मालिक हैं एक रिटायर्ड पोस्टमास्टर, अपनी स्वर्गवासिनी पत्नी के नाम पर उन्होंने मकान का नाम रखा था शांति निवास। आइए उनसे मिलें। आप हैं शिवनाथ शर्मा, जवानी में ये बहुत रसिक आदमी थे, गाना भी गाते थे। आप हैं शिवनाथ जी के बड़े बेटे रामनाथ जी, इस दफ्तर में हेड क्लर्क हैं, दिल के बहुत अच्छे हैं, सिर्फ शाम को जरा ठर्रा पीने की आदत है। ये है इनकी अर्धांगिनी सीता देवी, इनकी सुपुत्री मीता बी ए, शिवनाथ जी के दूसरे सुपुत्र हरिनाथ और उनकी पत्नी एक कार एक्सीडेंट में भगवान को प्यारे हो गए। उनकी बेटी कृष्णा बड़ी प्यारी छोटी सी गुड्डी सी बच्ची है। तीसरे सुपुत्र शिवनाथ जी के ये हैं काशीनाथ जी, विद्वान हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं, और ये हैं इनकी पत्नी शोभा देवी। इनकी खूबसूरती देखकर साहब शिवनाथ जी ने दहेज माफ कर दिया था। इनके भी एक सुपुत्र हैं पिंटू बाबा, विश्वनाथ जी उर्फ बब्बू शिवनाथ जी के सबसे छोटे बेटे हैं, फिल्म लाइन में असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर हैं। आज तक कितनी धुनें अंग्रेजी गानों से चुराए लेकिन कोई नहीं पकड़ सका। इनके अलावा भी कुछ पात्र इस नाटक में हिस्सा ले रहे हैं, वो हैं मिस्टर अरुण कुमार, सिर्फ कसरत ही नहीं करते एमए की परीक्षा भी दे रहे हैं। इनका नाम हमें मालूम नहीं था, सब गुरुजी कहते हैं। अभी एक और बहुत जरूरी बात से मिलाना रह गया है, एक बावर्ची। चलिए अब जहां से शुरू किया था वहीं चलें, शांति निवास। रामो मेरी नौकरी का क्या हुआ? मिल जाएगी महाराज, जल्दी क्या है? तो पूछो मत, बहरे से बावर्ची बनने आया था, ना बहरा रहा ना बावर्ची, सोचा था होटल के 10 मालिकों से घर का एक मालिक अच्छा, यहाँ आया तो मालिक 10 के 10 और घर होटल से भी गया गुजरा निकला। लगता है किसी राम भरोसे लॉजिंग हाउस में आ गए। नौकरी तो एक और है लेकिन पगार इतनी नहीं मिलेगी। अब मुझे यहाँ क्या मिलता है? 50 रुपए, खाना कपड़ा और जागने की जगह। जागने की जगह और क्या, सोना मिलता ही कहाँ है, इसीलिए तो बाहर जाकर सोता हूँ। देखो भाई वहाँ 40 मिलेंगे, खाना कपड़ा और रहने की जगह तो खैर मिल ही जाएगी। तो चल अभी चल, अपना जाके हिसाब तो कर ले। हिसाब का है का? एक महीना 3 दिन काम किया है, 3 दिन की पगार ना मिली तो क्या है? चल। लेकिन यार बुड्ढे बाबा के लिए अफसोस होता है, चाय की जरूरत पड़ेगी। मुन्ना इतने सवेरे सवेरे मुझे क्यों बुला रहे हैं बाबूजी? मुन्ना क्या हो गया? अजी सुनती हो? आप भी तो सुन रहे हैं। Thank you.
बाबूजी, तुम लोग कब सीखोगे? मेरी समझ में तो नहीं आता है। जब स्कूल में थे तब से मैं कह रहा हूँ सुबह जल्दी उठने की आदत डालो। कोशिश कर रहा हूँ बाबूजी, हो जाएगी आदत। खाक होगी। इसीलिए बुलाया था क्या? वैसे ये बुढ़ा ये कप चाय की आस में बैठा है। तो क्या महाराज ने चाय नहीं दी अभी तक? अगर दी होती तो तुम्हें बुलाने की क्या जरूरत थी? लगता है कि वो कंबक भी भाग गया है। क्यों? सुनते ही सर पर आसमान टूट पड़ा। हमारे जमाने में तो भाई घर की बहू बेटी सब कुछ करती थी, आजकल की बहू बेटी थोड़ी होती है, डॉटर इन लॉ होती है। डॉक्टर इन लॉ कानून की बेटी। अब कौन सुबह सुबह कानून के झमेले में पड़े, इसलिए तुम्हें तकलीफ देनी पड़ी। संदूक को जरा अंदर ढकेल दो। बाबूजी, कितनी बार कहा इतना सोना जेवर घर पे मत रखो, किसी दिन चोरी हो जाएगा, इसे तो बैंक में रखवा दो। सोने जेवर की चिंता छोड़ दो और इस बूढ़े के लिए चाय का इंतजाम करो। 7 बज गए, अभी तक चाय नहीं दी महाराज ने, कहीं भाग तो नहीं गए ये भी। सुबह सुबह कैसे बुरी बातें करते हो? सत्यानाश, सचमुच महाराज नहीं आया, अब क्या होगा? होगा क्या, फिर किसी से कहूंगा नौकर देने के लिए। कृष्णा, कृष्णा, आती हूँ। क्या हुआ छोटी माँ, जल्दी से चाय बना के तोला। क्यों महाराज चला गया? पता नहीं चला गया कि मर गया, मैं भी बनाती हूँ। और चल मत देख के, देखती नहीं फिसले नहीं वहाँ। भूल गई थी छोटी माँ, भगवान ने देखने को आंखें तो दे रखी है, वो भी भूल गई। देखो जी, ये रोज रोज की मुसीबत मुझसे नहीं उठाई जाती, अब कौन मरेगा सारे घर के लिए? बर्तन मांजो, रसोई करो, कपड़े धो। तुम अकेले तो नहीं करोगी, भाभी है, कृष्णा है, मीता है। बस बस, नाम नो लो अपने भतीजे का। और दीदी देखना, काम का नाम सुनते ही गठिया का दर्द शुरू हो जाएगा। तो मैं क्या करूं, 300 रुपए का स्कूल मास्टर, अलग मकान लेके भी तो नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकते, कुल 2.5 जान तो है हम, खर्चा ही क्या है हमारा। नहीं खर्चे की बात नहीं, हम अलग हुए कि बड़े भाई या बाबूजी के कान भर देंगे, मकान जायदाद सबसे बेदखल कर देंगे। संदूक देखी है बाबूजी के पलंग के नीचे? हाँ देखी है, और उस पे थोबड़ा लटका हुआ ताला भी देखा है, इसीलिए तो चुप हूँ। लो सुबह सुबह छोटी की जय जय शुरू हो गई। घर है या धोबी घाट। चला गया? वेरी गुड। कोई मेडल लेके नहीं गया? मेडल क्यों? अरे हफ्ते से ऊपर कोई टिका है यहाँ? वो तो महीने भर रह के गया, मेडल नहीं मिलना चाहिए उसे। तू क्या चाय बना रही है? वेरी गुड, जरा जल्दी से ले आ। एक बड़ी खूबसूरत धुन बन रही थी, आधे में अटक गई, जरा गरम गरम चाय जाए ना तो निकलेगी बाहर। अभी नहीं। हाँ। दीदी आना, अंदर आ। सुना क्या हुआ? हाँ सुना, कल रात से फिर घुटनों में दर्द शुरू हो गया, यहाँ तो कोई आराम से मरने भी नहीं देता। दादू चाय गरम गरम चाय। मुझे पता था यही होगा। क्या होगा? यही कि सब के सब पड़े रहेंगे घोड़े बेचकर, और चाय आखिर तुझे ही बनानी पड़ेगी। तो क्या हुआ, घर का काम करने में काहे की शर्म? हाँ हाँ, शर्म तो उनको भी नहीं है, लेकिन घर का काम कोई नहीं करता। देखो दादू, मेरे चाचा ताऊ को कुछ कहा तो अच्छा नहीं होगा। गरम चाय बाबू चाचा, चाय गरम। सब गड़बड़ कर दिया, ऐसी शानदार तर्ज बन रही थी गाने की,
ये भी कोई तर्ज थी? झिंग चिंग चिंग झिंग चिंग चिंग, लगता है जैसे रेलगाड़ी चल रही। देख 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 कृष्णा, तू म्यूजिक के बारे में अपना ओपिनियन मत दिया कर। अरे तुझे क्या मालूम आजकल मार्केट में क्या चलता है? देख, हार्ट बीट 2/4 की होती है। धक 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 धागी नती नकी दिन धागी नती नकी दिन। लेकिन अगर यही दिल और जोर से धड़कने लग जाए तो उसका मीटर 6/8 हो जाता है। कैसे? ताकीटे 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 झिंग चिंग चिंग झिंग चिंग चिंग झिंग चिंग 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 झिंग चिंग चिंग। ये सब टेक्निकल कॉम्प्लिकेशन है, तू नहीं समझेगी। वो तो है ही, बहुत मेहनत का काम है। जैसे पहले इंग्लिश रिकॉर्ड लाओ, उसे बजाओ, सुनो, टेप करो, उस पर हिंदी के बोल बिठाओ, बहुत टेक्निकल कॉम्प्लिकेशंस हैं। कृष्णा कृष्णा, ये ट्रेड सीक्रेट है, बाहर आ गई ना तो अपनी मार्केट खराब हो जाएगी। फिलहाल चाय खराब हो रही है, पी लो। ओ माँ, अंडे तो उबल उबल के पत्थर हो गए होंगे। अरे बाप रे, बड़ी माँ चाय। अरे मुन्नी को भी दे देना बेटी। नहीं नहीं, उसके बाद जगह ना, पर रात को 2 बजे उसका डांस खत्म हुआ था। दीजिए, खाली पेट चाय नहीं पिया करते। चाचा जी चाय। थैंक यू छोटी माँ, चाय पियो। थैंक यू बाबा। ओ लिट पुछ, उठ उठो बाबा, उठो 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 ना। ए हेलो पप्पी दो, पप्पी दो, पप्पी दो, बम्मत बम्मत नो नो बम्मत। चलो बाबा बाबा जा। ओ बेटा ठीक से? हाँ कृष्णा, ये ले। पहले मुंह हाथ तो धो ले। चल कृष्णा, दोनों मिलकर बर्तन मांज ले। अब मरो सारे दिन के लिए, नौकर तो मिला नहीं, ऊपर से महाराज भी चले गए। तो क्या हुआ? हम जो है नौकरी बजाने के लिए, और किस लिए ब्याह के लाए थे हम? कपड़े धो, बर्तन घिसो, खाना बनाओ। और कुंभा भी तो छोटा नहीं, पूरी लंका बसा के रखी है। अयोध्या से आई है ना दोनों कमबख्त। अच्छा हुआ, मालूम तो है फिसलने वहाँ। फिर भी भूल गई थी दीदी, चोट तो नहीं आई छोटी माँ? नहीं, बहुत मजा आया। क्यों भाभी, इसे जोड़कर कितना स्कोर हुआ? शर्म नहीं आती, हाथ पकड़ कर उठा नहीं सकता। मैं क्यों उठाऊं? मंत्र पढ़ के जिंदगी भर हाथ पकड़ने का वादा किसने किया था? ए काशी, ए काशी, ए काशी, ओ ओ काशी, ए तो देर हो जाएगी भैया। तो क्या मुझे देर नहीं होगी? मुझे ऑफिस नहीं जाना, और ये भी कोई तरीका है बाथरूम में घुसने का? चल निकल निकल। स्कूल में मास्टर देर से पहुंचा तो डिसिप्लिन कैसे रहेगा? तो क्या इसलिए तू जबरदस्ती करेगा? तो क्या करूं, आप तो घंटों लगा देते हैं। अब इस घर में रहना मुश्किल हो गया, यहाँ तो गुंडागिरी शुरू हो गई है। चिड़िया घर है, उल्लू के पट्टे। ये भी कोई खाना है? इसे खा के कोई काम कर सकता है सारा दिन? इसे दाल कहते हैं, दुखी मारो तो दाना नहीं मिलता। जो घर में था बना लिया, अब बाजार करने के लिए भी हम ही को देना पड़ेगा। तो बब्बू क्या करता है दिन भर? बाजार नहीं जा सकता? उन्हें अपने बाजे तबले से फुर्सत मिले तब ना। बब्बू, हो बब्बू, क्या है? सारे दिन बैठा धाएं धाएं करता है, घर के लिए जरा सब्जी भाजी नहीं ला सकता? भाजी तरकारी और मैं आर्टिस्ट हूँ भैया, आर्टिस्ट। आर्ट की बातें कीजिए मुझसे। तो आर्टिस्ट को भूख नहीं लगती क्या? भूख तो सबको लगती है, मगर आर्टिस्ट सब नहीं होते। आलू बैंगन और भैरवी जयजयवंती में तुमको कोई फर्क नजर नहीं आता? अरे जाजा, तेरे जैसे आर्टिस्ट रास्तों पे मारे मारे फिरते हैं। देखो भैया, मैं ठीक है बाबा, ठीक है, झगड़ा मत करो। दफ्तर से आते वक्त मैं खुद ही कुछ ले आता हूँ। दादू जी नमस्ते। आज बेटा बैठ बैठ। कृष्णा, ओ कृष्णा, किताबें लेके आजा, अरुण आया है पढ़ाने।
कृष्णा, क्या है बड़ी माँ? इधर आ, जरा हाथ बटा। एक दिन नहीं पड़ेगी तो दुनिया इधर की उधर नहीं होगी। अभी आई। देखा, मुफ्त में पढ़ाते हो, वो भी बर्दाश्त नहीं होता है। ले, तू कपड़े धो ले, तब तक मैं रसोई देखती हूँ। और ये रहा मेरा साबन, खाम का घुलाना नहीं, जो बच जाएगा मेरे कमरे में रख देना। कृष्णा, हाँ, ये दो कपड़े मेरे भी खंगाल देना। ये मेरा साबुन, जो बच जाए मेरे कमरे में रख देना। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बैठिए। आई एम सॉरी सर, आज फिर देर हो गई मुझे। रामनाथ जी, अंग्रेजी में सबसे मजेदार लफ्ज यही है, सॉरी। इंसान सोचता है वो कुछ भी गलती करे, सॉरी बोलने से सब कुछ माफ हो जाता है। नहीं नहीं सर, वो बात नहीं, मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरा एक सजेशन है, आप बुरा मत मानिए, वैसे भी एक ही साल रह गया है आपके रिटायर होने में, आप अभी से रिटायर हो जाइए तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं नहीं सर, ऐसा मत कहिए, बहुत तकलीफ हो जाएगी। मैं ऑफिसर होने पर 10-15 मिनट पहले आता हूँ और आप हेड क्लर्क होकर रोज देर से आते हैं। तब आइंदा ऐसा नहीं होगा। क्या करूँ सर, घर में नौकर चाकर का ऐसा प्रॉब्लम है कि कोई भी काम टाइम पर नहीं होता। मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा फिर ऐसा नहीं होगा। अच्छा, जाइए। थैंक यू सर। रामनाथ जी, वो टंडर। जरा दम तो लेने दीजिए भाई साहब। लक्ष्मण जी। बड़े बाबू, तुमने जो नौकर दिया था ना, वो भी भाग गया। अरे नहीं नहीं, इसमें उसका कुछ कसूर नहीं, कमबख्त मेरे घर की हालत ही ऐसी है। अब जल्दी से कोई दूसरा आदमी ढूंढ दो, नहीं तो इस बुढ़ापे में मेरी ये नौकरी जाती रहेगी। अगर चाहे तो 5 रुपए और दे देंगे भाई। एक भी अच्छी खबर नहीं, पढ़ते ही अशांत। क्या हुआ गेंगो? अरे भैया ये देखो, पहले ही पेज पर 2 खून, और ये देखो 1, 2, 3, 4, दूसरे पेज पर 4 खून, और यही नहीं, और देखो ये खेल के मैदान में भी खून। खून तो भैया जैसे नेशनल इवेंट बन गया। नेशनल क्यों, इंटरनेशनल का ये। याद है कुछ दिन पहले जब एक बार न्यूज़पेपर स्ट्राइक हुई थी, कितनी शांति थी दुनिया में, न बाढ़ न अकाल न जंग न खून। आप तो हमेशा डार्क साइड देखते हैं ज्ञान बाबू, पेपर से जो चेतावनी मिलती है उस पर भी आपने कभी सोचा? कल का अखबार पढ़ा था आपने, एक नौजवान देखने में भोला भाला सुंदर लेकिन जेल तोड़कर निकल भागा। पुलिस ने सबको सावधान किया है कि वो जबरदस्त मर्डर है, खूनी, और ये आज ही खबर पड़ी। अरे बाप रे, एक लड़का अच्छे खानदान का, पढ़ा लिखा मगर क्रिमिनल ब्रेन, कभी ट्यूटर बनकर तो कभी म्यूजिक टीचर बनकर, कभी नौकर बनकर घरों में घुसता है, और घुसने के बाद सबका कॉन्फिडेंस गेन करता है, और सब कुछ सफाया करके गायब हो जाता है। सोचिए ना, एजुकेटेड यंग मैन, फ्रूट ऑफ नॉलेज हैज बिकम द पॉइजन ऑफ द सोसाइटी। कहा आपने? चलो चलो। जय भगवान, आज टाइम पर आ गया। रामू, रजिस्टर ला। लीजिए साहब। हाँ रामू, एक नौकर लाते बाबा, बड़ी बुरी हालत है घर की। कॉलेज बड़ी माँ। ओहो, आज भी कॉलेज जाएगी, देखते हैं कितना काम पड़ा है यहाँ। जल्दी आ जाऊंगी बड़ी माँ, एक इम्पोर्टेंट क्लास है। पहले ये मुनि को देखा।
दस बज गए। दस बज गया? हाँ। विद भारती शुरू हो गया। ऑल इंडिया रेडियो वाले तुम्हारे जागने का इंतजार कर रहे हैं। सुनो, ओवल टीम के लेना। हाँ बड़ी माँ, छोटी माँ मैं जा रही हूँ। दादू कैसे जाएगी, देर नहीं हो गई तुझे? दौड़ के पहुंच जाऊंगी दादू, दूर थोड़ी है। सॉरी अरुण, मैं तो डर रही थी तुम कहीं चले ना गए हो, बहुत देर हो गई ना। नहीं, ये खुशखबरी है। क्या? गोवर्धन दास जी गुजर गए। कौन गोवर्धन दास? तुम्हारे कॉलेज के चेयरमैन। तो इसमें खुशखबरी की क्या बात? मतलब खुशी अलहदा है, खबर अलहदा। खबर ये कि गोवर्धन दास जी गुजर गए, और खुशी ये कि तुम्हारा कॉलेज बंद है, तुम्हारा कोई पीरियड मिस नहीं होगा। रियली? चलो यूनिवर्सिटी पार्क चलते, थोड़ी देर वहीं बैठते। घर में मालूम हो गया तो जाओ घर, मैं जाता हूँ गोवर्धन दास के जनाजे पर। ओफो, तुम तो फौरन नाराज हो जाते हो। तुम बात ही ऐसी करती हो, घंटे पर इंतजार करा है ऊपर से। अच्छा बाबा चलो, मैं इसलिए थोड़ी कह रही थी। तो मैं तो इसलिए कह रही थी, थोड़ी देर में नीता दीदी अपनी डांस की प्रैक्टिस करेंगी और मैं छुप के देखूंगी। क्यों? अच्छा लगता है, सच मेरा बहुत मन करता है डांस सीखने को। देखो ये डांस वांस छोड़ो, पढ़ाई लिखाई में मेहनत करो। इतना पढ़ लिख कर मैं क्या करूंगी, तुम सर्विस तो करने नहीं दोगे। तो डांस सीख के क्या होगा? हंसती क्यों? कुछ नहीं, तुम डांटोगे। बताओ तो सही। शादी के कुछ दिन बाद मर्दों का मन घर में नहीं लगता, इसलिए वो भटक जाते हैं। तो तुम जमींदार की तरह हुक्का लेकर बैठना और मैं तुम्हारे सामने। वाह वाह वाह, सुंदर, अति सुंदर। जीती रहो बालिके, तुमसे कोई नहीं जीत सकता। इस वर्ष नित्य नाट्य नाइट का पुरस्कार तुम ही जीतोगी। लेकिन गुरुजी, मैं तो ये तिकधा दिकधिक करके बोर हो गई। कुछ और सिखाइए ना। अवश्य अवश्य, आज हम तुम्हें कुछ नए बोल सिखाएंगे। सोडस कला बिराजत छबि छाजत पूर्ण चंद सरद रन उजियारी अति प्यारी। गुरुजी आपने डांस किससे सीखा? ना 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 बालिके, नृत्य को डांस नहीं कहते, इससे हमारी सभ्यता अशुद्ध हो जाती है। नृत्य आपने किससे सीखा? लंबू महाराज से। लंबू महाराज से? उनका नाम तो कभी नहीं सुना। बहुत से गुणी कलाकार इस जगत में गुप्त जीवन बिताकर चले गए, जैसे हम। हमारा नाम भी तुम और तुम्हारी माताजी के सिवा कोई नहीं जानता। और हमारे गुरुजी कहा करते थे, कला में नाम का लोभ नहीं करते, कला में कला की साध करते हैं। तो आओ बालिके, हम भी अपनी साधना आरंभ कर दें। पूर्ण चंद सरद रैन उजियारी अति प्यारी। निरक जोग जुगति जागन जनहित बजाई बजाई मुरली अखंड मंडल महाराज मंडल मद निरतक दिसोम दिसोम दिमिक दिमिक तातैया तातै तक 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 झिक झिक बजत भीन मृदंग डप मुर चंग मुरली मधुर धुनि कर ताल दुंदु बजत गीत त्रांत दादी दिखदा त्रांत दादी दिखदा दादी दिखदा बनती बटपै यमुना तटपै दादी दिखदा बनती बटपै यमुना तटपै दादी दिखदा बनती बटपै यमुना तटपै काहे कान्हा मरत बरजोरी काहे कान्हा मरत बरजोरी छोड़ो 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 कलिया मारी। ना 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 बालिके, ऐसे नहीं, हम बताते हैं। काहे कान्हा मरत बरजोरी काहे कान्हा मरत बरजोरी छोड़ो 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 कलिया मारी काहे कान्हा मरत
बच्चों के टोकने से कुछ नहीं होता। रहने दे, तुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं। शाम को कहाँ चली? वो राजन के घर में बर्थडे पार्टी है ना, वहाँ। लेकिन ये सर पर चिड़िया का घोंसला क्यों बना रखा है? चिड़िया का घोंसला नहीं डैडी, इसको बुफो कहते हैं। बुफो? बाप रे, ये तो मेरे बाप ने भी नहीं सुना होगा। तेरे बाप ने क्या, मेरे बाप ने भी नहीं सुना होगा। ये लो भाजी। पहले ये तो बताओ, कोई महाराज मिल गया? कह तो दिया, देखते हैं दो एक दिन। देखो जी, जल्दी से महाराज ढूंढ निकालो, छोटी ने तो सुना दिया है। अगर महाराज नहीं मिला तो वो चले जाएगी अपने मायके। तो जाओ फिर, तुम भी जाओ। माँ बाप होते से चली जाती, जानते हो ना, इसलिए ताने देते हो। घर आते ही सर पे सवार हो जाती। कृष्णा जा, तू जा। अच्छा अच्छा अच्छा, ये लीजिए बाबूजी, बाकी पैसे। बाकी पैसे कहे के? दो ही रुपए तो दिए थे, इसका दाम 1.95। हाँ तो 5 पैसे रह गए ना, दे दे, दे दे। देता हूँ, ये लीजिए। तो हमेशा ये सब खिड़की दरवाजे बंद करके क्यों बैठते हैं आप? शाम को जरा घुमाया कीजिए ना, कुछ एक्सरसाइज होगी। एक्सरसाइज? खाली पेट कहीं एक्सरसाइज होती है भला? 7 बजने को आया और अभी तक किसी ने एक ग्लास पानी भी नहीं पूछा। अरे कृष्णा, रहने दो, अब उसे मत बुलाओ, वरना किसी को रात का खाना नहीं मिलेगा। कृष्णा, कृष्णा, जो आता है कृष्णा। मैं अपनी बीवी को बुला नहीं सकते, जितने सारे जोड़ों के गुलाम मेरे ही घर में पैदा होने थे। ए पिंटू बाबा, ए चुप तक, किधर है? इधर इधर पिंटू, आ जा बेटे, आ जा। बाबूजी डांटेंगे? अरे नहीं डांटेंगे, आ जा, ये दारू थोड़ी है, ये तो दवाई है। पिंटू, मना किया है ना तुझे शाम को? मेरे कमरे में नहीं आने का? हाँ। भला क्यों? पीता हूँ इसलिए। हाँ हाँ, ये घर है, मैं खाना नहीं, चल चल। मुझे शिक्षा देने आया है? हुँ? ये स्कूल है या मैं तेरा स्टूडेंट हूँ? शर्म नहीं आती बच्चों को सामने शराब पीते हैं? शट अप, पंजे में शट अप, दरवाजा बंद करके पी नहीं सकते हैं, चल। क्यों? तुम्हारे डर से? साथ रहना है तो सहना भी पड़ता है। वही तो, साथ रहना है तो दूसरों को भी मानना पड़ता है। हाँ? क्या हुक्म है मास्टर जी, जरा सुनो तो, क्या करना पड़ेगा हमें? दीदी ये मजाक की बात नहीं, अगर ये दरवाजा खोलकर खुलेआम पिए और तुम्हारी बेटी सामने खड़ी हो तो कैसा लगेगा तुम्हें? कैसा लगेगा क्या? हा? अपने पीता हूँ भाई, अपने पैसों की पीता हूँ। और फिर अपने कमरे में पी रहे, सड़क पे तो नहीं? बस वही बाकी रह गया। क्या छोटा मुंह और इतनी बड़ी बात? ज्यादा तकलीफ है तो कहीं और जाकर रहे। हाँ हाँ वही करूंगा, इस घर में कोई जा सकता? ये सब क्या हो रहा है कमीनों की तरह? मैं अभी मरा नहीं, ये घर मेरा है। इस घर को क्या समझ रखा है, मछली बाजार? आह बाबूजी, आप क्यों बीच में पड़ते हैं? जाइए अंदर जाइए। नहीं, तुम लोग बाहर जाओ। जाएंगे, ये घर, वो संदूक, संदूक के अंदर के जेवर। क्या हुआ, ये शोर शराबा क्यों बाबूजी? ये लो, मियाँ तानसेन भी आ गए, तुम भी शादी कर डालो। शादी? क्यों? झगड़ा और जमेगा। अब और क्या जमेगा बाबूजी, इस घर में झगड़ा जम जम के पत्थर हो गया। एक बात मानेंगे, इस घर का नाम शांति निवास से बदल कर अशांति निवास रख लीजिए। नालायक सुअर का बच्चा।
सुना है इस घर में बावर्ची की जरूरत है। हाँ? सुना है इस घर में खाना पकाने वाले की जरूरत है। हाँ? दादू 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 एक आदमी आया है कि तब बावर्ची का काम चाहिए, खुद ही आया है दादू। राजा सबको आवाज दे, उनके लिए तो भगवान आ गए। जाइए जाइए अंदर जाइए। बाबू चाचा, बड़ी माँ, छोटी माँ, जल्दी आओ। क्या हुआ? जल्दी नीचे आओ, देखो कौन आया है। कौन आया? बावर्ची, खाना पकाने वाला। तो सुनते हो, बावर्ची आया है, है? खाना पकाने वाला है, चलो जल्दी। किसने भेजा तुम्हें? किसी ने नहीं भेजा, मैं खुद चला। जमानत दे सकते हो किसी की? जमानत? दादू जी जमानत तो मुजरिम देते थाने में। नहीं नहीं, वो मतलब नहीं मेरा। ये है रघु। पहले कहाँ काम करते थे? डॉक्टर बीसी रॉय। क्या डॉक्टर बीसी रॉय? जी हाँ, वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर थे। वो तो गुजर गए। जी जी हाँ। तो फिर कहाँ काम किया? नायक साहब। क्या नायक साहब? कौन नायक साहब? श्री वीपी नायक। कौन वीपी नायक? महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर। या वहां भी खाना बनाता था, यहाँ भी खाना बनाऊंगा। वही अनाज सब्जी तरकारी, खाने वाले बदल जाए लेकिन आलू तो आलू ही रहेगा, है ना दादू जी? कटेगा बुनेगा तो आलू, इसे मैं खाऊं या भालू। काफी रसिक मालूम होते हो। अच्छा ये तो बताओ क्या क्या पकाना जानते हो? सब कुछ। इंडियन में खिचड़ी पुलाव बिरयानी, चाइनीज में चाउ चाउ, मटन पाव पाव, कॉन्टिनेंटल में बस 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 बस। ये सब विलायती खाना हमें पसंद नहीं, हमें तो सीधा साधा हिंदुस्तानी खाना अच्छा लगता है। वो तो सच है बड़ी माँ, आदमी पहने जग भाता, खाए मन भाता। हिंदुस्तानी खाने का तो कोई अंत ही नहीं है। मैं कम से कम 300-400 किस्म की चटनियां बना सकता हूँ। आज खाइए, साल भर के बाद उसकी बारी आएगी। हाँ वो तो ठीक है, मगर इस घर में टिकोगे कितने दिन? ए बाबूजी, है कोई आस पड़ोस में जो तुम्हें जानता हो? मुझे कोई नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूँ सबको। आप रामनाथ जी रूपम उत्तम कंपनी में हेड क्लर्क है। आप विश्वनाथ म्यूजिक डायरेक्टर रजनीकांत न्यारेलाल के असिस्टेंट। आप काशीनाथ रामरतन स्कूल में इतिहास पढ़ाते हैं। आप तो महान ज्ञानी पंडित हैं। कहते हैं स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। अर्थात राजा की पूजा सिर्फ उसके देश में होती है और विद्वान की पूजा पूरी दुनिया में होती है। बावर्ची का काम करते हो, इतनी संस्कृत कहां से सीखे? जी महापुरुष महापंडित राहुल शंकरितायन के यहां कुछ दिन नौकरी करने का मौका मिला, उन्हीं के चरणों में बैठकर कुछ सीखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कहीं फेंक तो नहीं रहे हो ना? दीदी तनखा की बात करो। 40 से शुरू करना। 40? नहीं 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 नहीं, 40 में कैसे चलेगा? नहीं नहीं नहीं, इतनी महंगाई के जमाने में आप 30 दे दीजिए। हाँ? हाँ, मैं सब समझता हूँ दादू जी, आजकल संसार कितनी मुश्किल से चलता है। हाँ, चलिए चलिए मुझे जल्दी से रसोई दिखा दीजिए, नहीं तो आपको स्कूल में देर हो जाएगी और आपको दफ्तर में। चलो 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 किसने में चलो चलो चलो। अरे पिंटू बाबू क्या खा रहे हैं आप? ये लीजिए आपके लिए एक देसी चॉकलेट। नहीं 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 मत दो उसे। नहीं नहीं छोटी माँ घबराइए मत, ये बहुत अच्छी चीज है, इसमें गुड़ है, बेसन है, सोट है, कैस्टर ऑयल है, जो ताकत भी दे और पेट भी ठीक रखे। वाह फार्मूला तो अच्छा है। बड़े बाबू कल से मैं आपके लिए हर डे का एक अर्क बना दूंगा, देखिएगा 10 दिन के अंदर आपकी तंदुरुस्ती बदल जाएगी। कहते हैं यस्य गृहे नास्ति माता तस्य माता हरितकी, अर्थात जिस घर में माँ न हो उस घर में हृदय रहना चाहिए। और ये भी कहते हैं कदाचित कुपिता माता न कुपिता हरितकी, अर्थात माँ कभी कभी गर्म हो सकती है लेकिन हृदय कभी नहीं। ये आयुर्वेद कहां से सीखा? सुविख्यात वैद्यराज चंद्रशेखर ठाकुर के यहां कुछ दिन उनकी सेवा की। इस बक्से में क्या है? इस बक्से में माँ अन्नपूर्णा का दान है। अन्नपूर्णा? जी हाँ, देखिए देखिए। ये भी एक अजीब कहानी है बड़ी माँ छोटी माँ। काशी में एक दिन मैं भूखा प्यासा गंगा के किनारे सो रहा था, सपने में माँ अन्नपूर्णा आई।
चेहरे पे मुस्कुराहट, हाथ में अन्न से भरी हुई करछी। माँ ने कहा, रघु, ओ रघु, उठ बेटा, खा ले। मैंने फौरन दोनों हाथ आगे कर दिया। अचानक मुझे उन लाखों लोगों की याद आई जो मेरी तरह भूखे थे। मैंने कहा, सबके खाने का इंतजाम करो तो ही खाऊंगा। माँ बोली, बेटा रघु, दुनिया में अन्न की कमी नहीं है, लेकिन जबकि आदमी आदमी का दुश्मन बनकर एक दूसरे की रोटी खा जाए तो मैं क्या करूं बेटा? करेक्ट। अरे तू चुप रह। फिर क्या हुआ? मैं फौरन उनके चरणों से लिपट गया और बोला, मैं कुछ नहीं जानता, पहले सबकी रोटी का इंतजाम करो। वो बोली, छोड़। मैं बोला, नहीं। उन्होंने कहा, रघु। मैंने कहा, माँ। अचानक उन्होंने हाथ की करछी मेरे सर पर दे मारी और मैं करछी पकड़कर बेहोश हो गया। जब आंख खुली तो मैंने देखा, माँ गायब और करछी मेरे हाथ में। बस उसके दूसरे दिन वो करछी गलाकर मैंने ये बर्तन बनवा लिए। एक करछी से इतने बर्तन? अरे ये करछी आपकी या मेरी थोड़ी थी बड़े बाबू, वो तो माँ अन्नपूर्णा की थी। अच्छा चलिए रसोई में चल। अरे बाप रे, यहाँ तो बहुत फिसलन है। हाँ, जमादार है ना, कितनी बार उसे कहा। अरे उसे कहने क्या जरूरत है, मैं साफ करता हूँ ना, अभी करता हूँ। नहीं नहीं, तुम रहने दो। बड़ी माँ, अपना काम तो सभी करते हैं, थोड़ा सा दूसरों का काम करके देखिए कितना सुख मिलता है। घर में नारियल का खोल है? हाँ, हाँ, अरे वाह। अब तो इस पर कोई कत्थक नाचे तो भी ना गिरे। बड़ी माँ, छोटी माँ, कृष्णा बहन, चलिए मेरा रसोई घर से परिचय करा दीजिए। चलिए चलिए। मुझे तो पागल लगता है। भैया, जिसको घर की सारी खबर है, क्या उसको ये पता नहीं कि पिताजी के पलंग के नीचे जो बक्सा है उसमें लाखों के जेवर है? हाँ, पोशाक मिलिट्री की या अस्पताल के बॉय की, बात बात में संस्कृत और उपदेश, मुझे तो इस पर शक है भाई साहब। हाँ भाई, आजकल किसी का क्या भरोसा, नजर रखनी पड़ेगी इस पे काशी। बड़ी माँ, खाना तो सब दफ्तर जाने से पहले खा कर जाते होंगे। हाँ। जल्दी से कुछ बना लेता हूँ। हाँ बोले, क्या पकाओ? पकाओगे क्या, घर में है ये क्या? वो कुछ कच्चे केले पड़े हैं और सूरन। कच्चे केले और सूरन? बड़ी माँ, घर में हींग है? हींग? हाँ है। हाँ तो फिर फिक्र करने की क्या बात है? अरे हींग डालकर इस सुरन का ऐसा कबाब बनाऊंगा। हींग और सुरन? हाँ, और इस कच्चे केले का दम पोख। क्या दम पोख? हाँ, घर में मजा आ जाएगा आज। हाँ, पानी गर्म हो गया। बड़ी माँ, छोटी माँ, एक काम करें, बजाय चाय को सबके पास ले जाने के, सब चाय के पास नहीं आ सकते हैं? हाँ, आप ऐसा कीजिए ना, आप सबको नीचे बुला लीजिए, सब एक साथ बैठकर गरम गरम चाय पियेंगे और गरम गरम नरम नरम बातें करेंगे। जाइए ना, जाइए जाइए जाइए। दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ छोटी, कहीं काबालिक तांत्रिक तो नहीं? ऐसे ही लगता है। माँ, देखा नहीं भाजी कैसे काट रहा था? दादू जी, चाय। कल से 5:30 बजे चाय लेकर आ जाया करूंगा। 5:30? वो तो जब मेरी वाइफ जिंदा थी तब मिला करती। नहीं नहीं दादू जी, आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं, चाय तो जल्दी मिलनी चाहिए। तुम पराये होकर समझते हो, लेकिन ये अपने नालायक जो है ये कहां समझते? नहीं नहीं, समझते क्यों नहीं, अभी अभी बड़ी माँ कह रही थी, बेटा रघु,
बाबूजी को चाय जरा जल्दी दे दिया करो। बड़ी बहू ऐसा कह रही थी? जी हाँ। यकीन नहीं आता। खैर बड़ी बहू कहे चाहे न कहे, 5:30 बजे गर्म गर्म चाय मिल जाए तो क्या बात है। मिलेगी दादी जी, मिलेगी कैसे नहीं, मैं तो आप लोगों की सेवा करने आया हूँ। लेकिन कल से पहले चाय नहीं, सरसों के तेल की मालिश, उसके बाद चाय। तरा तरा। जरा यहाँ जल्दी से दरी बिछा दीजिए, क्योंकि सब लोग यहाँ चाय पीने आ रहे हैं। यहाँ क्यों? देखिए इस वक्त चाय की पोजीशन मूसा की पोजीशन है, अर्थात जबकि मूसा पहाड़ के पास नहीं जा सकते हैं तो पहाड़ को मूसा के पास आना पड़ता है, इसलिए जल्दी से दरी बिछा दीजिए, चाय का सजदा शुरू। चाय हाजिर। लाओ भी लाओ। वाह चाय तो बड़ी मजेदार बनी है, कौन सी पत्ती लाई थी? वही जो रोज पीते हो। सच कहूं भाई, मुझे तो पहली बार पता चला कि चाय में खुशबू भी होती है। जी हाँ, जैसे कि रोज आपको कवाई मिलता रहा है। अरे भाई मैं तुम्हें थोड़ा ही कह रहा हूँ, मैं तो रघु से पहले जो रसोईया था उसे कह रहा हूँ, वरना तुम्हारे हाथों की चाय हाय हाय पी होती तो कयामत होती। रघु भाई तुम्हारा चाय का तो जवाब नहीं। भैया जरा थाम के। क्यों? अभी कह देगा लिप्टन कंपनी में मिस्टर ब्रुक बॉन्ड के यहाँ काम करता था। सच्ची बात तो यही है बाबू भैया, चाहे तो मिसेस डेंजोंग पॉर रेशन भवन टी सेंटर चर्चगेट बॉम्बे नंबर 1 से मिलकर या खत लिखकर पूछ लीजिएगा कि चाय बनानी मैंने उन्हीं से सीखी है, दार्जिलिंग की है। कौन, चाय या मिसेस डेंजोंग पॉर? दोनों। कृष्णा बहन बड़ी माँ छोटी माँ को चाय दीजिए। नहीं हम बाद में पिएंगे। बाद में क्यों माँ जी, अभी क्यों नहीं सबके साथ? कितना अच्छा लगता है कि सब घर वाले एक साथ बैठे, एक साथ खाए, एक साथ पिए, एक साथ बातें करें। ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना माँ जी, ऐसा लगता है इसका कोई मतलब नहीं, लेकिन देखा जाए तो कितने माने रखती हैं। ऐसे लगता है सब मिलकर एक ही जिंदगी जी रहे हैं। रघु तुम तो पिछले जन्म में बहुत बड़े ध्यानी ज्ञानी रहे होगे। पिछले जन्म में क्यों भैया, क्या इस जन्म में बहुत बुद्धू लगता हूँ? अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मुझे और एक कप चाय पिला दो रघु। नहीं नहीं और चाय नहीं मिलेगी, खाना खा के स्कूल जाना ना। चलिए चलिए सब लोग उठिए। बड़े भैया आप सबसे बड़े हैं, बाथरूम आप पहले जाइए। सुना सीखो। छुट्टी जल्दी से चाय पी ले, बर्तन साफ करने। माँ जी आप क्यों बर्तन साफ करेंगी, मैं कर देता हूँ। नहीं नहीं वो तुम क्यों करेगी, वो तुम्हारा काम नहीं। माँ जी अपना काम तो सभी करते हैं, लेकिन दूसरों का काम करने में जो सुख मिलता है वो आप नहीं जानती। मेरे काम की तो तनख्वाह मिल जाएगी, यहाँ काम किया वहां तनख्वाह मिल गई, लिया दिया बराबर। लेकिन माँ जी पुण्य की कमाई वो है जो दूसरों को सुख दे के मिले, उसका कोई मोल नहीं। माँ जी अगर आप मुझे डबल तनख्वाह भी देंगे ना तो मैं वो पुण्य बेचने वाला नहीं हूँ। हाँ लायक तो होगा ना। वाह 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 मजा आ गया भाई, क्या बात है। अरे भाई जरा मटन के कबाब और देना। छोटी माँ बड़े भैया को जरा मटन के कबाब और दीजिए ना, मैं दादू जी के खाने का इंतजाम करके आता हूँ। इतनी सी देर में बाजार कब गया और ये मटन कब लाया? मटन कहाँ है, ये तो सूरन के कबाब बनाए हैं। ऐसा क्या कर दिया जो आप लोगों को सूरन और मटन में फर्क नहीं मालूम होता? अरे भाई खाना बनाना भी एक आर्ट है, बनाने वाला सूरन को मटन बना सकता है और मटन को सूरन है। कौन? हम दोनों। दोनों कौन? मैं और ओवल्टीन। नमस्ते आपके ओवल्टीन। तुम कौन हो? मैं आपके घर का बावर्ची हूँ मीता दीदी। मेरा नाम किसने बताया? वो सर्टिफिकेट पे लिखा। ओ
आप कथक नाचती है ना? तुम्हें किसने बताया? तस्वीर बता दी। तुम बावर्ची हो या जासूस? मैं बावर्ची हूँ दीदी। चलिए आप जल्दी से तैयार हो जाइए, गुरुजी आते होंगे। आधा वर्ष है गुरुजी। नमस्कार। चाय नोश फरमाएंगे? अवश्य, चाय पान तो करेंगे ही। अले उल सुबह एक कप चाय तबीयत और मिजाज दोनों को बहाल और तंदुरुस्त रखती है। हाँ, प्रतिदिन भोर समय एक प्याली चाय पीने से मन और शरीर दोनों को लाभ होता है। नृत्य के लिए तन को स्फूर्ति मिलती है। जी हाँ, जिस्म को चुस्ती तो जरूर मिलती है। चाय यकीनन रक्स की मश्क के लिए बहुत उम्दा चीज है। ये रक्स मक्स क्या होता है? रक्स माने नाच, मश्क माने रियाज। अच्छा भाई, तुम इतनी शुद्ध उर्दू क्यों बोलते हो? आप भी तो बहुत खालिस हिंदी फरमाते हैं जनाब। हिंदी तो हमारी अपनी भाषा है। उर्दू भी तो हमारी अपनी ही जुबान है। दरअसल हिंदी और उर्दू दोनों बहने, जैसे कि हम और आप। क्या बहने हैं? नहीं नहीं नहीं, हम दोनों तो भाई हैं। जैसे कि दो भाई मिलजुल के रह सकते हैं तो क्या बहने नहीं रह सकती? मिलजुल कर रहने में ही तो वतन की तरक्की अर्थात देश की उन्नति, यही कहते हैं ना हिंदी में? जी हाँ, जरूर, यकीनन, अवश्य। तो मैं आज्ञा लूं? जरूर। दीदी आती होगी। मेरे लिए? क्यों नहीं, जब मीता दीदी पी सकती है तो तुम क्यों नहीं? मीता दीदी को तो जरूरत है, कितनी मेहनत करती है बेचारी। अरे तुम भी तो कितनी मेहनत करती हो, कितना दिमाग लगाना पड़ता है। हाथ लगाना पड़ता है, एक घंटे से ये सवाल लेके बैठी हूँ। सवाल? देखो तो, देखो तो। रघु भैया, ये अलजेब्रा है, तुम नहीं समझोगे। अच्छा देखने तो दो। वाह, अब बोथ साइड a माइनस b से डिवाइड करो। ओहो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इनटू a माइनस b डिवाइड करो, फिर उसका स्क्वायर रूट निकालो, बस सिंपल। रघु भैया, अलजेब्रा कहाँ से सीखा तुमने? एक मैथमेटिक्स के प्रोफेसर के यहाँ काम करता था। नीम पागल था वो, मेरे पीछे पड़ा रहता था। कहता था, बेटा रघु, जो प्योर मैथमेटिक्स में मजा आया वो किसी और चीज में नहीं है, चलो बैठो सीखो। क्या करते, नौकरी का सवाल था, सीखना पड़ा। चलो आज कुछ तो काम आया। तेरी कृष्ण बहन, किसी से कहना मत ये मेरी नौकरी का सवाल है। जीनियस। अरे अरे छोड़, अरे रहने दे। दीजिए ना, अपना काम तो सभी करते हैं, लेकिन दूसरों का काम करने में जो सुख मिलता है। अरे काशी, बहुत दिनों बाद आज वक्त पर पहुंचूंगा ऑफिस में। हाँ, मैं भी। ले ले मुकुट, जल्दी से मुकुट। भैया, खाना अच्छा मिल गया, वक्त पर मिल गया तो दुनिया का रंग ही बदल जाता है ना। दादू जी, खाना लाओ। इतनी जल्दी खाना? तो हम कोई अंग्रेज थोड़ी है जो ब्रेकफास्ट लंच डिनर करेंगे। चलिए चलिए जल्दी खाना खा लीजिए, ठंडा हो जाएगा। फिर तुमने वाइफ की याद दिला दी। तुम्हें नीम बैगन बनाना आता है? क्यों नहीं, लेकिन दादू मैं उससे भी अच्छी चीज बना के आपको खिलाऊंगा। नाम जानते हैं आप? शुक्तो। क्या शुक्तो? जो करेला, बैंगन, सहजन, ये सब चीजें मिलाकर बनाई जाती है। मुझे एक बंगाली माँ ने सिखाया था। खूब भालो खेते। चलिए 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 जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। सुनती हो कृष्णा? है कि गया? कौन? वही रघु। शुक्र है। तुम्हारा ये रघु या तो महापुरुष है, नहीं तो महाचोर है। दो रुपए में इतना सारा बाजार लेकर आए। नजर रखना उस पे, साधु और चोर दोनों एक जगह टिक के नहीं रहते। जाते जाते या तो वर दे के जाएंगे और नहीं तो घर लेके जाएंगे। ये लो। थर, चला गया। कौन रघु? हाँ। क्या हुआ, जरा ठहरिए।
ये लीजिए नींबू और ये कोको कोला। नींबू का रस और कोको कोला मिला के पीजिए, मजा आ जाएगा। क्या कहते हैं, ये देसी ठर्रा। वही तो, जरा पी के तो देखिए। और ऊपर से दाल फ्राई, तरा। पीना है तो हार्ड से पीना चाहिए। आप शुरू कीजिए, मैं पर्दा लगा देता हूँ, नहीं तो पिंटू बाबू आ जाएंगे। दरअसल पीने का मजा तो अकेले में आता है। मगर भाई तुमने ये सब कुछ कहाँ से सीखा? फिल्मों के सॉन्ग राइटर की नौकरी करता था वहीं पर। नाम मत पूछेगा बड़े बाबू, नहीं तो उस बेचारे का बांडा फूट जाएगा। क्यों, मजा आया? वाह वाह, सारा दिन मेहनत करके आते हैं, ऊपर से घर गृहस्थी की परेशानी, थोड़ा सा नशा नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? आप आराम से पीजिए, मैं चलता हूँ। अजी, एक कप चाय मिलेगी? ये लीजिए छोटे भैया, आज सिर्फ चाय ही नहीं, चाय के साथ वाई भी है। हाँ, अंडों की गरम गरम कचौरियाँ। अरे सारा दिन काम करने के बाद खाली पेट चाय कोई अच्छी लगती है भला? कहते हैं कुछ दांत के लिए कुछ आंत के लिए मिले तो आत्मा शांत हो जाती है। वाह, ये दांत और आंत के साथ ये शांत तो बहुत अच्छा मिला है तुमने। किसी कवि के पास भी काम किया था क्या? जी हाँ, मैं महाकवि हरिंद्रनाथ के पास काम किया करता था। वो अक्सर कहा करते थे, रघु इट इज सो सिंपल टू बी हैप्पी बट इट इज सो डिफिकल्ट टू बी सिंपल। हैप्पी का मतलब खुशी ना? नहीं, खुश। पूरे जुमले का मतलब क्या है तुम्हें मालूम नहीं? इसका मतलब खुश रहना एक सीधी सादी बात है, लेकिन सीधा साधा रहना बहुत मुश्किल है। वाह वाह, कितनी सुंदर बात है। पहले मतलब ना मालूम होने से सिर्फ तोते की तरह रट्टा लगाया करता था। वाह वाह, छोटे भैया आपकी तो चरण धूल लेनी चाहिए। हरिंद्रनाथ कहा करते थे, रघु जिंदगी में छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ना, पति का काम है कमाना, पत्नी का घर संभालना। अगर पति घर आकर सिर्फ 5 मिनट के लिए पत्नी का हाथ बटाने लगे या उसके साथ मिलकर बर्तन मांजने लगे तो कितना मजा आ जाए। पत्नी कहेगी, नहीं नहीं अब रहने भी दो जी, सारा दिन तो काम करते हैं, ऊपर से जाइए मुन्ना के पास बैठिए। मुंह से तो यही कहेंगे छोटे भैया, लेकिन मन से चाहेंगे कि आप साथ ही रहें। दरअसल बात क्या छोटे भैया, ये छोटी छोटी बातें हैं जो जिंदगी में असल मायना रखती हैं। किसी बड़ी खुशी के इंतजार में हम ये छोटे छोटे खुशियों के मौके खो देते हैं। अरे बड़ी खुशी के मौके 10-20 होते हैं, लेकिन ये जो हजारों लाखों छोटे छोटे खुशियों के पल हैं उसे हम गवा देते हैं। मैं किसे बोल रहा हूं? अरे आप तो स्वयं खुद पंडित हैं, पढ़े लिखे हैं, माफ कीजिएगा। It is so simple to be happy, but so difficult to be simple. अरे 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 अरे, बबू भैया रोज रोज अंडे, इतने अंडों से तो मुर्गी खुद बोर हो जाए। आप बोर नहीं हुए? लीजिए आज कबाब खाइए। अरे वाह कबाब, इस घर में चाय के साथ खाने की तो कोई रस्म है नहीं। अरे खाइए तो सही, और ये जो अंडे है ना बड़े भैया को जाके दे आइए। क्यों, उनको अच्छा लगेगा? शक करेंगे। क्यों, जिंदगी पर एक मूंगफली नहीं दी, उनको पूरा अंडा दे दूं, शक नहीं करेंगे? सोचेंगे जरूर कोई मतलब है। तो कृष्णा बहन को दे दीजिए। कृष्णा बहन, कृष्णा बहन। देखो रघु, इस वक्त मैं सैड मूड बनाना चाहता हूं, इसलिए ज्यादा अच्छी अच्छी बातें मत बताओ। सैड मूड क्यों, आप उदास क्यों होना चाहते हैं? इसलिए कि मैं एक उदास दर्ज बनाना चाहता हूं। रघु तुम जाओ। बाबू भैया मैं कुछ आपकी मदद करूं? तुम क्या जानते हो म्यूजिक के बारे में? पंडित ओहंकार नाथ ठाकुर के यहां कुछ दिन काम करने का मौका मिला था, बस वहीं पर गाने की नकल करते करते गाने की अकल भी आ गई। सच पूछिए तो मुझे सैड सॉन्ग बहुत अच्छा लगता है। खुशी के गाने तो बिल्कुल फुलझड़ियों की तरह है, चलते हैं और बुझ जाते हैं, लेकिन उदासी, उदासी अगरबत्ती की तरह जलती देर तक और बुझने के बाद भी महकती रहती। अरे वाह, तुम तो बिल्कुल हसरत जयपुरी की तरह बातें करते हो। क्या बात है रघु भैया? चुपचाप बैठ के अंडे खा। हाँ, फर्ज करो तुम पिक्चर के हीरो। मैं?
नहीं, कोई और मिसाल दीजिए, हीरो वीरो मैं नहीं, वो तो मैं जानता हूँ, हीरो बन सकते तो बावर्ची क्यों बनते? करेक्ट। लेकिन सोचने में कोई पैसा लगता है क्या? अरे भाई सोच लो तुम हीरो। सोचो। अच्छा, और गांव में रहते हो, वहां की एक लड़की से प्यार करते हो, पढ़ने लिखने के लिए तुम शहर जाते हो, और जब लौट कर आए तो लड़की की शादी हो चुकी थी, और जिस रास्ते से हीरो आ रहा था उसी रास्ते से हीरोइन की डोली जा रही थी। हीरोइन ने डोली से झांक कर देखा, हीरो और हीरोइन की नजरें टकरा गई। अरे तुम्हें कैसे मालूम? आजकल यही तो पिक्चरों में होता है, नजरें मिलते ही हीरो गाना शुरू करता। ना ना ना, यही हमारी फिल्म ऑफ बीट हो जाती है, गाना गाड़ीवान गाता है। ओ, मैं ये तानपुरा। हाँ, पूरा ले सकते हो। तुम बिन जीवन कैसा जीवन, तुम बिन जीवन कैसा जीवन, फूल खिले तो दिल मुरझाए, फूल खिले तो दिल मुरझाए, आग लगे जब बरसे सावन, तुम बिन जीवन कैसा जीवन, तुम बिन जीवन। तुम जब से पिया रूठे, तुम जब से सुना सा है मन का डेरा, बैरी है दुनिया, बैरी है दुनिया, बाटे को अपने आंसू अपना ही दामन, तुम बिन जीवन कैसा जीवन, तुम बिन जीवन। किसको समझाऊं, किसको समझाऊं, गुजरी क्या क्या बीती क्या क्या, पूछे ये दुनिया, पूछे ये किसके हाथों ये दिल टूटा, हाल हुआ ये किसके कारण, तुम बिन जीवन कैसा जीवन, फूल खिले तो दिल मुरझाए, आग लगे जब बरसे सावन, तुम बिन जीवन कैसा जीवन, तुम बिन जीवन। अरे वाह 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 वाह, मैं तो कहता हूँ छोड़ो ये बावर्ची पन और शुरू कर दो प्लेबैक गाना। नहीं 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 बाबू भैया, नहीं नहीं, लेकिन लेकिन वो अपने मन्ना डे है ना, हाँ वो बहुत अच्छा गाते हैं, ये गाना आप उनसे गवाइएगा।
लेकिन ये गाना है किसका? मेरा, आपके सामने तो बना। तर्ज नहीं, बोल किसके हैं भाई? मेरे, साथ साथ बना तेरा। लो, अब तुम कहोगे चाचा गालिब के यहाँ भी नौकरी की थी। नहीं नहीं भैया नहीं, उस वक्त तो मेरा बाप भी पैदा नहीं हुआ था। लेकिन शांति निकेतन में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के यहाँ था। गुरुदेव के पास? तुम्हारी उम्र क्या है? 30। गुरुदेव गुजरे थे ईयर 1941। मैं चलता हूँ। रुको रुको, गुरुदेव गुजरे थे 1941, मतलब 30 साल पहले। अच्छा, और तुम 30 साल का? तो बेटा तुमने शायरी कब सीखी? आप भी कमाल के हिंदू हैं बबू भैया। आपको अभिमन्यु का किस्सा नहीं मालूम? जबकि अपनी माँ के पेट में था और अर्जुन ने सुभद्रा को चक्रव्यूह में घुसने का तरीका बताया था और अभिमन्यु ने सीख लिया। उसी तरह मेरी माँ जब शांति निकेतन में काम करती थी, मैं माँ के पेट में था। बाकी कहानी बाद में सुनाऊंगा, दादू जी को खाना देना। अच्छा जी, नमस्कार। नमस्ते। ग्रेट यार। दादू जी खाना लगा दूं? हाँ लगा दे। अच्छा चलिए, हाथ मुंह धो दे। अरे सुन, ये गाना कौन गा रहा था? जी वो आपके मियां तानसेन। अरे बड़ा सुरीला गाने लगा है। क्यों नहीं दादू जी, आखिर बेटा किसका। अच्छा चलिए, हाथ मुंह धो लीजिए। चलिए चलिए। तोरी बतिया राम कैसे कहूँ, तोरी बतिया राम कैसे कहूँ तोरी बतिया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बैठिए ना, आप तो बहुत अच्छा गाते हैं रामनाथ जी। नहीं, मेरा छोटा भाई बब्बू है ना सर जी, वो बहुत अच्छा गाता है। अच्छा अच्छा, बात क्या है रामनाथ जी, आजकल आप ऑफिस भी जल्दी आते हैं, खुश भी बहुत नजर आते हैं। दरअसल बात यह है सर कि घर में बहुत शांति है ना। अच्छा अच्छा, हाँ वो रिपोर्ट है शाम तक तैयार हो जानी चाहिए। शाम तक क्यों सर, अभी लीजिए ना। वाह, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कल बैलेंस शीट तैयार करने के लिए कहा था, ले आइए। मर गए बड़े बाबू। क्यों? दो दिन से मांग रहे हैं, लाख कोशिश करने पर भी टैली नहीं कर पाता, इसीलिए आज जल्दी दफ्तर आया था। सोचा था कर लूंगा, लेकिन आज नौकरी गई। नहीं जाएगी भाई। क्या? बहुत दिनों से तुम्हें परेशान देख रहा था, इसलिए आज जल्दी आकर ये सब खत्म कर दिया। खुश हो ना? जी हाँ। मैं भी खुश हूँ। जानते हो रघु क्या कहता है? रघु कहता है, अपना काम तो सभी करते हैं, लेकिन दूसरों का काम करने में जो खुशी होती है। जाओ जाओ, इंतजार कर रहे हैं। कैसे? बड़े बाबू। अरे ये क्या, बचा लिया आपने, जाइए आपको बुला रहे। अच्छा जी। आपने मुझे बुलाया सर? आइए रामनाथ जी, आई हैव गॉट अ सरप्राइज फॉर यू। सरप्राइज? मैं आपके काम से बहुत खुश हूँ। थैंक यू सर। मैं आपको 30 रुपए महीने की तरक्की और 3 साल की एक्सटेंशन दे रहा हूँ। बड़ी मेहरबानी आपकी। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। कृष्णा, ओ कृष्णा, जरा छत से कपड़े तो उतार ला, सूख गए होंगे। ये लीजिए छोटी माँ। ये क्या, तुम ले आए और इस्त्री भी कर दी? जी हाँ, कुछ काम नहीं था, वक्त भी था, सोचा थोड़ा सा आपका भी काम कर दूं। क्यों छोटी माँ, अच्छा नहीं लगा? अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। हाँ, मुझे तो आपसे ज्यादा खुशी हुई, क्योंकि आपको खुश कर दिया ना। छोटी माँ, दूसरों को खुश करके जो खुशी मिलती है ना, उसका तो जवाब नहीं। कभी बड़ी माँ की मदद करके देखिए, बहुत खुशी मिलेगी। अच्छा मैं चलता हूँ।
हुआ दीदी? और क्या, वही निगोड़ा दर्द, जी चाहता है पैर काट के फेंक। ओहो, फिर मैं तेल गरम करके लाती हूँ। अरे सुन, तेल गरम करने की जरूरत नहीं, वो वहाँ बाम पड़ा है ना, वो दे, मैं मल लूंगी। अच्छा। कहाँ है? वही है बाबा। ला, छोड़ दे। छोड़ो ना दीदी, छोड़ो ना। ओहो, कितना सूज गया है। इस बार स्कूल की छुट्टियों में मैं उनसे कहूंगी तुम्हें बज्रेश्वरी ले जाए, वहां गंदक के चश्मे है ना, सुना है उनमें नहाने से ये बीमारी दूर हो जाती है। क्या हुआ दीदी, बहुत तकलीफ हो रही है? तो इस तरह तो मेरी बेटी ने भी मेरी सेवा नहीं की। क्या मैं तुम्हारी अपनी नहीं, पराई हूं? नहीं रे, तुझे बस जन्म ही नहीं दिया। भगवान ने भी क्या कुछ बना रखा है धरती पर, रोग दूर करने के लिए गंदक के चश्मे बना दिए। रोग भी तो उसी ने दिया, अगर ये दर्द ना देता तो क्या जरूरत थी उसकी गंदक की। दीदी, लोग तकलीफ में तो भगवान को याद करते हैं और तुम उल्टा कोस रही हो। और क्या करूं, अगर पांव होते उसके तो पता चलता, जब 10 पास ही या चढ़नी उतरनी पड़ती। आपने मुझे बुलाया बड़े भैया? हाँ, क्यों भाई, आज कोको कोला, दाल फ्राई और नींबू नहीं लाए? आज तो आपको उसकी जरूरत नहीं। क्यों, आपका चेहरा देखकर पता चलता। क्या है मेरे चेहरे पर? देखिए ना, आदमी शराब किस लिए पीता है? चिंता चक्कर से निकलने के लिए। और जब चिंता छूट जाए और चक्कर से निकल जाए आदमी, तो खुशी का ही नशा इतना होता है कि उसे किसी भी नकली नशे की जरूरत नहीं पड़ती। आज तो आपका चेहरा देखकर पता चलता है कि आप खुशी से छलक रहे हैं। ठीक पहचाना तुमने रघु, आज एक बड़ी खुशी की खबर है। क्या क्या? एक तो दफ्तर में इंक्रीमेंट मिला है। अच्छा, 30 रुपया तनख्वाह बढ़ गई भाई। और दूसरे, 3 साल का एक्सटेंशन हो गया। ओहो, इसलिए आज ही मिठाई का डब्बा लेके आए। चल जल्दी सबका मुंह मीठा कराते। ना 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 ना, ये मिठाई तो मैं सिर्फ तुम्हारे लिए लाया हूँ, क्योंकि ये जो तरक्की हुई है ना, सिर्फ तुम्हारी वजह से। और देखो, किसी को ये खबर मत देना। वो क्यों, ये तो खुशी की खबर है बड़े भैया, और खुशी तो जितनी बांटो उतनी बढ़ती है। हाँ हाँ, अगर सुनने वालों का दिल बढ़े तब ना। क्या बात कर रहे हैं आप, आपकी खुशी से कौन जलेगा? सब सब हद करते आप भी। काशी भैया अभी अभी मुझसे कह रहे थे, रघु मैं कितना बदकिस्मत हूँ, भैया की कोई मदद नहीं कर सकता, इस उम्र में भी उन्हें इतना काम करना पड़ता। मेरा बस चले तो मैं साफ साफ कह दूं, भैया रिटायर हो जाओ, हम कमा के लाएंगे, हम सेवा करेंगे आपकी। ऐसा कहा काशी ने? जी हाँ, आपको यकीन नहीं आता? नहीं नहीं, वो तो मैं जानता हूँ, काशी मुझे बहुत प्यार करता बचपन ही से। एक दफा स्कूल में हॉकी खेलते हुए मैंने फाउल किया और रेफरी ने मुझे बाहर निकाल दिया। उसके बाद काशी ने जो पीटा है रेफरी को। मैंने मना किया तो पता क्या कहा? हाँ पता है पता है, यही कहा ना बड़े भैया ने, कि मैं नालायक हूँ, किसी काम का नहीं, पिछले 3 साल से 1 रुपए भी ज्यादा नहीं दिया। अरे नहीं 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 नहीं, बड़े भैया तो आपकी तारीफ कर रहे थे। क्या तारीफ? हाँ मेरी? हाँ क्या बकवास कर रहे? अरे बकवास नहीं, आज सुबह बड़े भैया कह रहे थे, रघु काशी को देखो, कितना ब्रिलियंट स्टूडेंट था, मुझे तो उसे ऑक्सफर्ड या कैम्ब्रिज भेजना चाहिए था, लेकिन मैं किसी लायक नहीं, कुछ भी नहीं कर पाया बेचारे के लिए। कहते हैं ज्येष्ठ भ्राता सम पिता, अर्थात बड़ा भाई पिता के समान होता है। मैं बहुत कुछ करना चाहता था बेचारे के लिए, इतना भी ना कर सका, एक अच्छा सा सूट ही सिला देता। ऐसा कहा बड़े भैया ने? अवश्य, यकीन नहीं आता? नहीं नहीं ये बात नहीं। अच्छा, एक दिन हॉकी मैच में बड़े भैया को रेफरी ने बाहर निकाल दिया था और आपने रेफरी को बहुत पीटा था। हाँ हाँ हाँ, मुझे कैसे मालूम, मुझे कैसे मालूम, बड़े भैया ने बताया था। नहीं कुछ भी हो, कुछ भी हो काशी भैया, ये रेफरी को पीटना ठीक नहीं था। नहीं क्यों ठीक नहीं था? क्यों ठीक नहीं था? पैसा खा के उसने बड़े भैया को निकाला था, क्योंकि बड़े भैया सबसे अच्छे प्लेयर थे। कुछ भी हो, बड़े भैया ने फाउल यानी कि बेईमानी की होगी। लगो मैं खबरदार, खबरदार ऐसी बात कही तो, बड़े भैया और बेईमानी। अरे वो तो देवता है देवता, नालायक तो मैं हूँ, इस उम्र में भी उन्हें काम करना पड़ता है, मैं तो इतना भी नहीं कह सकता। बड़े भैया अब आराम कीजिए, घर की सारी जिम्मेदारियां मेरी। तो क्या हुआ काशी भैया,
हम जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते। ज्यादा प्यार देके क्या हम उस कमी को पूरा नहीं कर सकते? देखिए ना, आज बड़े भैया को इंक्रीमेंट मिली है, तनख्वाह बढ़ गई। तुम्हें किसने कहा? बड़े भैया ने। ओ, कितने? 30 रुपए। 30 रुपए? अरे ये क्या हुई गवा? भैया मैं जा रहा हूं। अरे पहले आ तो सही फिर जाइयो। मैं घर छोड़ के जा रहा हूं। क्यों? और अपमान नहीं सह सकता, इसलिए मेरी भी तक सेल्फ रेस्पेक्ट है, कहां तक बर्दाश्त करूंगा। लेकिन हुआ क्या है? किसने अपमान किया तेरा? आपने। मैंने? हाँ हाँ आपने, आपने। मैंने क्या अपमान किया तेरा? आपकी इंक्रीमेंट मिली है ना 30 रुपए। हाँ हाँ, तो फिर से तेरा अपमान कैसे हो गया? हाँ जरूर हो गया। क्यों? आपकी तरक्की होगी और मुझे रोको के बताएगा। क्यों? आप नहीं कह सकते थे? जिस घर में भाई की खबर बाबूजी से लेनी पड़ती है उस घर में रहने का क्या जरूरत है? अरे सुन सुन इधर उल्लू, यहाँ बताता कब? अभी तो आया हूँ। वो तो आते ही रघु मिल गया, इसलिए ले ले मुंह मीठा कर। अरे सिर्फ तरक्की नहीं हुई, 3 साल का एक्सटेंशन भी मिल गया। अरे आप तो बड़े कंजूस हैं। क्यों? इतनी बड़ी खुशखबरी और आप डब्बा खोल के मिठाई दे रहे हैं? पूरा डब्बा मेरा है। अरे सुन सुन, अरे सुन, दूसरों का मुंह भी तो मीठा कराना है। सबके लिए मिठाई मैं लाऊंगा लेकिन ये डिब्बा मेरा। डांटरांग। बच्चे का बच्चा ही रहा। आप जाइए। भाई वो कहाँ है? वो कौन दादाजी? भाई देखो रघु, पलंग के नीचे तो नहीं है वो। लेकिन कौन भाई? छड़ी। छड़ी? दादूजी वो खड़ी। जाइए दादूजी, पार्क में घूम कर आइए। जो कहता हूँ कर, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ ना। वाह, बड़े भाई हैं तो जो कहेंगे वही मानना पड़ेगा। हाँ मानना पड़ेगा, यही धर्म है। देखिए भैया, मुझे धर्म मत सिखाइए, मेरा भी एक धर्म है, मेरा भी एक प्रिंसिपल है। देख काशी, सुबह सुबह ये फजूल की बहस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। कह रहा हूँ तू पहले जा, तुझे दिमागी मेहनत करनी पड़ती है, मेरी तरह बैठ के कलम थोड़ी खींचता। लो तो इसके साथ दिमाग और कलम का क्या ताल्लुक? बकवास बंद कर, जा। तुझे जानता हूँ मैं, बचपन से तू रोक नहीं सकता। अभी तो घंटा भर लगा देता। देख सुनिए सुनिए, आप दोनों फैसला कर लीजिए, तब तक मैं हो आता हूं। बबू बबू और बनो लखनवी, पहले आप में गाड़ी छूट गई। क्या हो गया? छोटी ये ले। क्या है दीदी? अरे चटपटे चने किसने बनाए? चटपटे चने कौन खिलाता था तुझे? अरे वो मुआ रघु घुसने ही नहीं देता रसोई में, आज बाहर गया है, जल्दी से बना लाई तेरे लिए। खा। तुमने क्यों तकलीफ की? आजकल गठिया के दर्द से ज्यादा परेशान होना। परेशान न होंगी, वो कमबख्त रघु कुछ करने ही नहीं देता, निकम्मा कर रखा है हमें। बस खाओ और सो, खाओ और सो। ऐसे कुछ दिन और चलाना तो खटके से उठ भी नहीं पाऊंगी। हाँ दीदी, पिछले महीने में मेरा वजन 10 पाउंड बढ़ गया। रघु अगर 2-3 महीने रह गया तो मैं भी तुम्हारे जैसे हो जाऊंगी। हाँ शोभा, कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, लेकिन पहले तू खा ले। इतने ढेर सारे नींबू क्यों? अरे तुझे खटाई ज्यादा पसंद है ना। दत्त तब पिंटू पेट में था। सच दीदी, उन दिनों तुम कितना प्यार करती थी, माँ की याद तक नहीं आने दी। अब तुम उससे बिल्कुल प्यार नहीं करती। चल पगली, अब भी उतना ही प्यार करती हूँ। तब तू बच्ची थी, अब बच्ची की माँ बन गई। उस वक्त एक जगह पैर नहीं टिकते थे तेरे, कभी इधर कभी उधर, सारा घर नाचती फिरती थी। नृत्य एक साधना है बालिके, और साधना से ही सफलता प्राप्त होती है।
इस वर्ष नित्य नाट्य नाइट में तुम्हें प्रथम आना ही है। ये हमारी हमारे सम्मान का प्रश्न है, यानी इज्जत का सवाल है। तो आओ बालिके, हम अपनी साधना आरंभ करें। हा? एक दो दादी दिख 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 दादी दिख
क्या हुआ गुरुजी? हमारी साधना भंग हो गई। कैसे? कैसे वो देखो। तू क्या कर रही है यहाँ? मैं कुछ नहीं, ऐसे ही। ऐसे ही तमाशा हो रहा है क्या? नहीं दीदी, नाच देख रही थी। Shut up! Idiot! दुमार कहेंगी। चल निकल यहाँ से, दफा हो। जाती है कि उठाऊं चप्पल। सॉरी गुरुजी, न जाने कहाँ से चली आई है। क्या हुआ रे? जरूर कुछ हुआ है, बताना। लो, कुछ नहीं हुआ फिर रोती क्यों है, बता। मैं बताता हूँ दादू जी, कृष्णा बहन मीता दीदी का नाच देख रही थी, मीता दीदी नाराज हो गई, जो मुंह में आया बोल दिया। इसमें नाराज होने की क्या बात थी? उनकी साधना भंग जो हो रही थी। साधना भंग? ओहो, बढ़िया उर्वशी की बच्ची। आजकल उसका घमंड बहुत बढ़ गया ना। रघु, तुझमें तो बहुत सारे गुण हैं, तू उसका घमंड तोड़ नहीं सकता। मैं तुझे चवन्नी दूंगा। चवन्नी? चवन्नी क्यों, अठन्नी दूंगा। देंगे ना? हाँ। Yeah.
कांजीवरम के गुरु इल्लप्पा पिल्ले के यहाँ काम किया था, बस उसी का थोड़ा सा फायदा उठा था। अरे पापे तुसी टॉप हो। रघु लेकिन दादू जी इनाम तो अठन्नी का था। था लेकिन पूरी का पूरा एक साथ देने का वायदा थोड़े किया था। ले ले रख रख बाकी का बाद में। तो मुझे माफ कर दो दीदी, अगर मैं जानती तुम्हें इतना दुख होगा तो कभी किसी की बात ना मानती। डांस का शौक था मुझे लेकिन तुमसे मुकाबला करना कभी ना चाहा। सच दीदी इस ट्रॉफी से मुझे उतनी खुशी नहीं मिली जितना दुख मिला, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें बुरा लगा। कृष्णा दीदी मैं तो तुम्हें सपनों में भी दुख देना नहीं चाहती लेकिन जबरदस्ती दादू जी और रघु भैया ने। लेकिन तूने डांस सीखा कब? 10 दिन में रघु भैया ने सिखा दी। 10 दिनों में? हाँ दीदी सच, रघु भैया तो जादूगर हैं, तुम उनसे क्यों नहीं सीखते? वो सिखाएंगे मुझे। क्यों नहीं सिखाऊंगा, ये प्राणी तो हमेशा सीखने सिखाने के लिए तैयार है। लेकिन 10 दिनों में? 10 दिन में कोई कला सीख सकता?
सारी जिंदगी कट जाती है दीदी, पहले एक अच्छा इंसान बनना पड़ता है, फिर एक अच्छा कलाकार, और सिर्फ एक अच्छा इंसान ही एक अच्छा कलाकार बन सकता है, दैट इज द ट्रुथ। मजाक ही मजाक में एक सच्ची बात बोल दूं दीदी, आपके साथ इनका क्या मुकाबला, आप तो कृष्णा बहन से बहुत ऊंची कलाकार हैं, लेकिन एक चीज की कमी है दीदी। क्या? नम्रता। गुरूर और अहंकार से कलाकार कभी ऊंचा नहीं हो सकता है दीदी। कलाकार तो एक फल भरी टहनी की तरह है, जितने फल ज्यादा लग जाते हैं टहनी उतनी झुक जाती है। रघु भैया तुम मुझे डांस सिखाओगे? जरूर सिखाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, पहले कृष्णा बहन को मुबारकबाद दीजिए। ऐसे नहीं ऐसे नहीं, पहले प्यार से गाल पे पप्पी दीजिए, फर्स्ट क्लास। अब चलिए नीचे, खाना नोश फरमाइए, दस्तरखान आपका इंतजार कर रहा है। रघु भैया मुझे खाना बनाना सिखाओ ना, मुझे बिल्कुल नहीं आता। वाह वाह, वो तो मैं दो दिन में सिखा सकता हूँ दीदी, खाना बनाना ही तो सबसे रसीला काम है, जीभ पे रखते ही अच्छे बुरे का मालूम हो जाता है। ये देखो। सुनती हो? बड़ी बा बड़ी बा, आप यही ठहरी, दीदी तुम जाओ भैया। क्या है पिताजी? ये क्या? क्या तुम और रसोई घर से निकल रही हो? ये तो नहीं हुआ था आज तक इस घर में। रघु भैया से खाना बनाना सीख रही हूँ। अरे वाह, और वो जो तेरे सिर पर चिड़िए का घोंसला था वो कहाँ गया? वो चिड़िया ले गई। अच्छा? और रघु को भेज देना ऊपर। अच्छा। रघु भैया पिताजी बुला रहे हैं। दीदी आओ आओ, एक काम करो इस मसाले को देखो, जैसे इसका रंग ब्राउन हो जाए यानी कि पाकते का रंग, ये सब्जी इसमें डाल देना। तातरा गुरुजी। माताजी अब और क्या फायदा है नीता को नाच सिखाने से? क्यों, जो मेडल मिलना था वो मिल गया कॉलेज से। बधाई हो माताजी, सुपुत्री आपकी द्वितीय आई है। और प्रथम कृष्णा, कृष्णा जिसने नाच सीखने का नाम तक कभी नहीं लिया। नहीं माताजी, बिना सीखे कोई शिक्षा प्राप्त नहीं होती, अवश्य हमारा ही नृत्य देख देख कर उन्हें उत्साह मिला होगा। तो फिर ठीक है, नीता भी किसी और को देख कर सीख लेगी, आपकी क्या जरूरत है, आप पधारिए। पढ़ेंगे कहाँ, दादू जी तो सो रहे हैं। ये कमरा भी बंद है। चलो बाहर चले, पार्क में बैठे पड़े। पार्क में कृष्णा बहन बगैर इजाजत के बाहर जाना ठीक नहीं है। तो क्या करें, इम्तिहान भी तो सर पर है। रघु भैया हम ऊपर अपने कमरे में जाकर पढ़े। अपने कमरे में जाकर। हाँ मैं कब से इंतजार कर रही हूँ, और तुम बस लड़कों को कसरत करा और अखाड़ा करा। अखाड़े के सेक्रेटरी क्या हो गए और हेल्थ मिनिस्टर हो गए। नाराज मत हो बाबा, अपने गुलाम पर मेहरबानी फरमाइए मेरी मलका। दरबार बर्खास्त हो चुका है और हमारे सारे खादिम रुखसत हो चुके हैं। चलो हम टेरेस पे जाके पकड़े, शुरू करो। दरबार बर्खास्त हो चुका है और हमारे सारे खादिम रुखसत हो चुके हैं। एक बार नजर देख लो। अरे किताब देख कर नहीं, किताब देख के नहीं, बढ़िया किताब देख के बोलने वाले, जबानी बोलो। मैं सोचने दो एक मिनट प्लीज। दीदी 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 जल्दी आओ ना। क्या हुआ? आओ तो सही। हुआ ना? तुम्हारा इनाम क्या होगा? कंवल की कली जैसी आपकी नाजुक कलाइयों को अपने हाथों में लेकर उनमें फूलों के कंगन पहनाने की इजाजत मेरा मुआवजा होगा, और आपके कोमल पाँव अशोक के फूलों के रस से धोना मेरा इनाम। ये क्या हो रहा है?
माँ बाप को तो खा गई, अब हमारी इज्जत खाने बैठी है। बोल बोल। नहीं बड़ी माँ, दादी जी सोने थे इसलिए हम ऊपर आ गए। हाँ हाँ, हमने क्या देखा नहीं, क्या पढ़ाई हो रही थी, क्या पढ़ाई होती, हमने क्या देखा, समझती हम मर गए। सुनिए सुनिए, ये चुप रहो तुम। बोल, इतनी हिम्मत कैसे हो गई, कैसे हो गई तेरी इतनी हिम्मत, बोल कैसे तेरी हिम्मत। हमारे कोर्स की कविता पढ़ा रहे थे। झूठ बोल रही है? नहीं। जरा आंख लगी तो इसे हाथ पकड़ कर ऊपर लेकर आई। तुम कहाँ जा रहे हो, आज तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगी। दादू जी, दादू जी, जल्दी ऊपर चलिए, कृष्णा दीदी को बड़ी मां छोटी मां पीट रही है। क्यों? वो अरुण बाबू है ना, कृष्णा दीदी उन्हें ऊपर लेके कमरे में, इसलिए दोनों नाराज हो रही है उस पे। नाराज होना ही चाहिए, रूम में क्यों ले गई भला? दादू जी, अरुण बाबू पढ़ाने आए थे, बैठने के लिए जगह नहीं थी, आप सो रहे थे, इसलिए कृष्णा बहन ऊपर ले गई उन्हें। ओ कमाल किया है दुनिया, जिसका भला करने जाओ वो मुड़ के थप्पड़ मारता। दादू जी देखिए, मैं बड़ा मुंह फट आदमी हूँ, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, एक भोली भाली मासूम लड़की को प्यार देने के बजाय सब जुल्म कर रहे हैं उस पर। चल दादू जी, आई रिजाइन। हाँ, मैं इस्तीफा दे रहा हूं अपना। अरे अरे, ऐसा मत करो, वो दोनों बहुएं हैं ना, दोनों मर जाएंगी। लेकिन कृष्णा बहन की ये हालत मैं नहीं देख सकता। एक बात पूछूं आपसे, आप क्या मर्द नहीं? हाँ, आप घर के मालिक हैं, मारना ही है तो जिसे चाहे आप मारिए। करेक्ट। रघु, ला मेरी छड़ी। आप कृष्णा बहन को मारेंगे? नहीं, उन दोनों को। हा? मैं घर का मालिक हूं भाई, जिसे चाहे। नहीं 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 दादू जी, उसकी जरूरत नहीं होगी, आप जाकर खूब डांटिए बस। तो चल मेरे साथ चल। पगली, आज से तेरा खाना पीना बंद, बंद करो इसे कमरे में। देखने में बड़ा भोला नजर आता है और अंदर से ये पेच पड़े हैं। छी, कितना मैल भरा आपके मन में। क्या मेरे मन में मैल भरा है? छोड़िए, मुझे दूर से बात कीजिए। चला जाए यहाँ से, खबरदार घर में पैर रखा तू। आता कौन है, इस घर में कोई शरीफ आदमी पैर नहीं रखेगा। क्या देखिए इसकी हिम्मत क्यों नहीं होगी, ये जो बढ़ावा देने वाली है। कितने दिन से ये नाटक चल रहा है, है? कितने दिन से ये नाटक चल रहा है, बोल बोल। क्या क्या हो रहा है इस घर में, क्या हो रहा है? आपने कितनी बार कहा उसे बढ़ावा मत दीजिए। चुप रहो, मैं जानता हूँ, सब जानता हूँ। तुम कौन होती हो इसे मारने वाली? जब क्या कह रहे, दिन दहाड़े इस घर में। ये मेरा घर है, दबा हो जाओ, जाओ जाओ। प्यार करना नहीं आता है, सिर्फ मारना आता है, बाप का राज समझ रखा है। जाओ, जाते हो या नहीं? मुझे क्यों नहीं जगाया पगली? ये क्या, इस वक्त सोई पड़ी हो, तबीयत खराब है, जवाब क्यों नहीं देती? हाँ, अरे बुखार उखा तो नहीं? चलो हटो, रहने दो ये दिखावा। अरे हुआ क्या, वो तो बताओ। सुन के करोगे क्या? तुम्हारे बाबूजी आज हमें बाप की गाली दी। क्या, बाप की गाली? हाँ हाँ, कहा बाप का राज समझ रखा है। लेकिन बाबूजी ने ये सब कहा क्यों? बहुत बड़ी गलती की थी हमने, वो तुम्हारी भतीजी है ना, उस छोकरे अरुण को अपने कमरे में ले जाकर रंगरेलिया मना रही थी। क्या रंगरेलिया? हाँ हाँ, कानों देखा आंखों सुना। हाँ हाँ, आंखों देखा कानों सुना। हाँ हाँ, आंखों देखा कानों सुना। कुछ कहने गई तो उस छोकरे ने उल्टा सीधा जो मुंह में आया कह दिया। क्या, उसकी ये हिम्मत? कृष्णा कृष्णा, उससे क्यों, अपने बाप से जाके कहो ना। अब बाबू से कैसे कहूं, वो मालिक है घर के। इस घर में रहने से तो जहर का कर मर जाना अच्छा। शोभा शोभा शोभा, रो नहीं, रो नहीं, रो नहीं, मैं अभी जरा बाबूजी से पूछता हूं। अरे रो नहीं, रो नहीं, मैं अभी फैसला करता हूं। या सुना आपने? हां हां, चल आज बाबूजी से फैसला करना ही पड़ेगा, चलिए। आप लोग कहाँ जा रहे भैया? बाबूजी के पास। एक बात बताओ। क्या? आज दादू जी ने बहुत डांटा, बड़ी माँ को भी और छोटी माँ को भी, बड़ा मजा आ गया भैया। इसमें मजे की क्या बात है? लीजिए, बड़ा कोई डांटे तो अच्छा नहीं लगता? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसे लगता है डांटने वाले का हक है मुझ पर, मुझे अपना समझता है। नहीं तो कभी सुना है कि लाड घर वालों से करो और डांटो मोहल्लों वालों को?
अरे जो जिससे प्यार करता है उसी को तो डांटता है। हाँ डांटता है, मगर मगर इसका ये मतलब तो नहीं कि जो जी में आएगा कह देंगे हमारी पत्नियों को। ना 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 ना, ये बात गलत है। आपकी पत्नी है तो दादू जी की बहू भी है, पिंटू आपका लड़का है। अगर दादू जी उसे डांटे तो क्या आपसे पूछकर डांटे? नहीं नहीं नहीं, ये बात गलत है। सोचिए ना, कल को पिंटू बाबू की शादी हो गई तो क्या उसकी पत्नी को कुछ कहने का हक नहीं होगा? अगर आपने कुछ कह दिया और पिंटू बाबू आपसे लड़ने आए तो जानते आप क्या कहेंगे? चल हट चोरू का गुलाम जन मुरीद। हाँ, अगर दादू जी ने कुछ ज्यादा कह भी दिया तो उनकी उम्र का भी तो लिहाज कीजिए। और फिर माँ जी ने भी कोई गलती थोड़ी की है, गुस्से में आके अरुण बाबू को कुछ बुरा भला कह दिया तो इसमें हाँ असल जब तो वही है। और क्या, खबर तो उस लड़के की लेनी चाहिए, बाबू जी से कहने से क्या फायदा। रघु देखो आइंदा वो लड़का इस घर में घुसने ना पाए। हाँ हाँ कह देना, हमने कहा है। अरे बाप रे, क्या हुआ? मेरी दाल जल गई। चल भैया कुछ भी कहो, रघु ने बात ठीक कही है। हाँ हम खा ये बीवियां घर आते ही कान भरने लगती हैं, बहुत खर्च चढ़ गई। हाँ जैसे कि हमारी कोई इंडिविजुअल एंटिटी नहीं है। क्या नहीं है? इंडिविजुअल एंटिटी मतलब बीइंग। वो क्या होता है? बीइंग का मतलब होता है कि मैं क्या, मैं नहीं हूँ। मैं नहीं हूँ तो क्या मैं तू है? स्कूल में बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते तेरा दिमाग खराब। नहीं वो भी नहीं है। अब सुनिए ना, बहुत बना मैंने ना, इंडिविजुअल जो पर्सन में इंडिविजुअल जो होता है उसके बारे में ये कहा जाता है। अरे कृष्णा मैन, यहाँ गुमसुम क्यों बैठी हो? चलो नीचे चलो। मैं उन्हें जानती हूँ रघु भैया, अब वो कभी नहीं आएंगे, मैं किससे पढ़ूंगी? वो सब मुझ पे छोड़ दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। हंसो खेलो जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। बड़ी माँ छोटी माँ दोनों नाराज हो तो कैसे हंस खेल सकते? ओहो वो सब मुझ पे छोड़ दो, जैसे मैं कहता हूँ वैसे करो। क्या? जाकर बड़ी माँ छोटी माँ के पाँव छुओ, उनसे माफी मांगो। क्यों? मैंने कोई अपराध नहीं किया। तो क्या हुआ? नहीं भी किया लेकिन बड़ों से माफी मांगने में कैसी शर्म? मैं जैसे कहता हूँ वैसे करो, उस पर भरोसा रखो मेरी बहन। माँ तुमने मारा कृष्णा को? हाँ। छी छी छी, सिर्फ इसलिए कि वो अपने कमरे में अरुण को ले गई थी। मैं भी तो पार्टियों पे जाती हूँ, अकेली जाती हूँ और कई बार रातों को देर से भी लौटती हूँ। मुझे तो कभी कुछ नहीं कहा तुमने, और उसे सिर्फ इतनी सी बात के लिए पीट दिया, इसलिए ना कि उसके माँ बाप नहीं है। मेरे साथ अगर ऐसा करती तो मैं घर छोड़कर चली जाती। मैं कल ही उसे उसके मामा के यहाँ छोड़ आती हूँ। नहीं दीदी, मैं मामा जी के यहाँ नहीं जाऊंगी। जिनकी गोद में पली हूँ अगर वही जगह ना दे सके तो इससे अच्छा तो अपने माँ बाप के साथ ही मर जाती एक्सीडेंट में। सुनो, शाम के वक्त लड़की की बातें सुनो। सच बड़ी माँ छोटी माँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे तुम लोगों का सर नीचा हो। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो मेरा मरा मुंह देखो। एक थप्पड़ मारूंगी फिर मुंह से ऐसी बात निकाली तो। चल पगली पगली कहेगी। भोराई गया आंधियारा, भोराई गया आंधियारा, सारे जग में हुआ उजियारा, नाचे झूमे ये मन मत भरा मत भरा। भोराई गया आंधियारा, गया आंधियारा, गया गया आंधी।
गया धरती भी झूमे, बगिया भी झूमे, धरती भी झूमे, बगिया भी झूमे, भवरा मचलके कलियों को झूमे, भवरा मचलके कलियों को झूमे, नन्ही किरण मुस्कान लागे नीला गगन पर बड़ा बड़ा नारा भोराई गया आंधिया दिन ये संदेशा लेकर पूरब से आता है दिन ये संदेशा लेकर पूरब से आता है मेहनत जो बाटे वही फल मिल के खाता है मेहनत जो बाटे वही फल मिल के खाता है मजे उड़ाओ मिलके खुशी मनाओ मिलके ओहो मजे उड़ाओ मिलके खुशी मनाओ मिलके नई बहारें आई देखो फूल खिलाओ मिलके एक दूजे की सोचोगे तो मौज करोगे हंसते गाते दिन बीतेगा अस्तर होगे हो, हो, हो। देता है जितना कोई उतना ही पाता है देता है जितना कोई उतना ही पाता है दिन ये संदेशा लेकर पूरब से आता है मेहनत जो बाटे वो ही फल मिलके खाता है देखो कहता है तुमसे सवेरा ये सवेरा ये सवेरा देखो कहता है तुमसे सवेरा छोड़ो छोड़ो भी ये तेरा मेरा देखो कहता है तुमसे सवेरा फूटी गगरी लिए फिर रहे हैं मिलके नहीं पीते थे जो पानी हो जो भी करना है आज कर लो अरे याद रखो जोगी की ये बानी के पलटती नहीं है समय की ये धारा भोराई गया आंधियारा भोराई गया आंधियारा गया आंधियारा गया आंधी good morning, oh daddy. Good morning, to everybody. Good morning, good morning, good morning, good morning. Beta. Yes, papa. Barkhorda. Yes, daddy. Apni bhasha mein bolo. Arey, ha ha, I'm sorry. Namaste, namaste, oh pitaji. Namaste. Jai hind, oh pitaji. Jai hind. Namaste, namaste, hai sabko. Namaste, babu chacha. Namaste, 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 namaste. Ha, 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 ha. The morning rays are coming. The happy days are coming. Yeah? The morning days are coming, the happy days are coming. Hi, 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 phir bula. Subah ki kirne aayi hai. Bahut achhe. Khushiyan hi khushiyan laayi hai. Wah wah beta. सुबह की किरने आई है खुशियां ही खुशियां लाई है नमस्ते नमस्ते ओ पिताजी नमस्ते जय हिंद ओ पिताजी जय हिंद नमस्ते नमस्ते है सबको नमस्ते 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 हाँ।
हूँ, ना 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 दे देता हूँ, ना 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 दे देता हूँ, दे देता हूँ, दे देता हूँ, दे देता हूँ, दे तुम को, 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 एक चीज मार्क की क्या? ताला तोड़ के नहीं खोल के ले गया। इसका मतलब यह है कि चोर कोई घर का ही आदमी है। क्यों रे मीता, रघु कहाँ है? रघु रघु भैया तो दिखाई नहीं देते। हाँ, अब वो दिखाई देगा भी नहीं। क्यों? पहले डॉक्टर बीसी राव, फिर श्री वीपी नायक, उसके बाद पंडित ओंकार नाथ ठाकुर वगैरह वगैरह के बाद अब शायद वो राष्ट्रपति भवन में काम करने में। राष्ट्रपति भवन? जी हाँ, राष्ट्रपति भवन, श्रीमती इंदिरा गांधी के पास। राष्ट्रपति भवन में इंदिरा जी नहीं, श्री वीवी गिरी। वो कहना क्या चाहता है? वेरी सिंपल, मालूम है सुबह के 9 बज चुके हैं। हाँ, और नींद से उठते वक्त एक अजीब सी बू नहीं आ रही थी कमरे में। हाँ, और सर भी कुछ भारी भारी सा हुआ था। हाँ, तो पूज्य श्री रघुनंदन महाराज ने हम लोगों को बेहोश करके ये चोरी की है। नहीं, रघु भैया कभी ऐसा नहीं कर सकते। ये बक्सा आप ही के घर का है ना?
लेकिन लेकिन तुझे कैसे मिला? बताता हूँ, मैं सुबह कसरत करके आ रहा था तो देखा रघु भैया ये बक्सा लेके जा रहे हैं। उनके हवा पर मुझे शक हुआ, मैं उनके पास गया और मैं पूछा ये किसका बक्सा है। अचानक उन्होंने मुझे घुसा मारा, मैं गिर पड़ा। रघु भैया बक्सा लेके भागने लगे, मैंने उनका पीछा किया और फिर हम दोनों में खूब मारपीट हुई। उतने में कुछ लोग इकट्ठा हुए और रघु भैया बक्सा छोड़ के भाग गए। मैंने सोचा ये बक्सा आपका ही है ना? हाँ हाँ बेटा, तूने बचा लिया हमें, लाखों के जेवर इसमें। अब तुम सब नालायक, इसी लड़के को बेइज्जत करके घर से निकाल दिया था। अरुण बेटा, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। बेटा आज तूने साबित कर दिया कि हम आदमी पहचानने में कितनी गलतियां करते हैं। हाँ, हम तो रघु को कितना शरीफ और नेक समझते थे। बातें तो भाई नेकी की ही करता था। हाँ हाँ, नहीं तो उल्लू कैसे बनाता हमें। अरे हमें तो उसी वक्त समय लेना चाहिए था, मेरा 30 रुपए में कोई इस घर में काम करता। हाँ, जो संस्कृत जाने, गाना भी जाने, नाच भी जाने। वाह वाह, क्या नचाया है हमें। मैं तो समझती थी कोई कापालिक तांत्रिक होगा और निकला एक नंबर का चोर। अरे शुक्र करो खून ही नहीं था। हम लोगों की हराजरी में तुम दोनों का गला काट के जेवर नहीं ले गया। पुलिस को खबर कर देनी चाहिए। ऐसे शैतान 420 बदमाश आदमी को फौरन गिरफ्तार हो जाना चाहिए। इस वक्त अगर कहीं रघु मिल जाता ना तो जीते मारे मारे उसकी शक्ल बदल देता मैं। बस कीजिए। रघु भैया के बारे में सब सुनना भी पाप है। रघु भैया तो देवता है। मैंने उनसे कसम खाई थी कि ये बात मैं किसे नहीं कहूंगा। मेरा जो भी होना हो, मैंने आप सबसे झूठ कहा। आज सुबह जब मैं कसरत कर रहा था, अरुण बाबू। अरे रघु भैया तुम? बस वर्जिश करने चला आया, सुना है कुश्ती के चैंपियन हो। 2 साल इंटर कॉलेज का अवार्ड मिला है। अरे वो किसी अन्नारी से पाला पड़ा होगा, मुझसे जीते तो जानू हो जाए। हड्डी पसी टूट जाएगी रघु भैया, फ्री स्टाइल चैंपियन हूँ। फ्री तो मैं भी काफी हूँ, फिर स्टाइल अपनी अपनी है। चलो चलो उतारो कपड़े। नहीं नहीं गुदगुदी होती। अपनी स्टाइल तो कपड़ों के साथ ही। अच्छा चलो चलो। लाज रखना प्रभु। मेकअप ठीक जगह लगा। अरे अरे बाबा, कुश्ती नहीं कुश्ती नहीं कुश्ती नहीं। अरुण बाबू आपको तो इससे बढ़िया कुश्ती लड़नी है। क्या मतलब? मतलब मैं समझाता हूँ, आप कमरे में चलिए 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 चलिए। ये क्या है? दादूजी के गहनों का बक्सा, वापिस घर पहुंचा दीजिएगा और कहिएगा कि रघु ये चुरा कर भाग रहा था, मैंने उसे देख लिया, पकड़ा और खूब मार पिटाई। क्यों अचानक ये ड्रामा क्यों करो? ड्रामा करने के बाद ही तो आप उस घर में घुस पाएंगे अरुण बाबू। कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं मुझे उस घर में घुसने की। जरूरत है कृष्णा बहन के लिए, उसका इस दुनिया में कोई नहीं आपके सिवाय। अपने लिए ना सही, उसके लिए आपको जाना ही होगा। आप नहीं जानते अरुण बाबू, इस दुनिया में जब तक भलाई रुपए और पैसों से ना तोली जाए वो भलाई नहीं कहलाती। इसलिए तो मैंने ये बक्सा चुराया ताकि आप उस घर में जा सके, कृष्णा बहन को सुखी कर सके। लेकिन ये झूठ। ए अरुण बाबू, ये सच और झूठ के चक्कर में मत पड़ो। याद रखो जिसमें इंसान की भलाई हो वो काम कभी बुरा नहीं होता। रघु भैया आप कौन है? मैं नाम से रघु, रिश्ते से भैया। मजाक छोड़िए, बताइए कौन है आप, कहां से आए हैं, क्या करते थे इससे पहले? सुन के क्या करोगे? नहीं मैं सुनना चाहता हूं, मुझे मालूम है इसके बाद आप कभी नहीं मिलेंगे। मेरा नाम प्रभाकर है, मैं बनारस का रहने वाला हूं। इससे ज्यादा जो तुम जानना चाहते हो वो मैं भी नहीं जानता। मेरे मां बाप कौन थे मुझे खुद नहीं मालूम।
इसीलिए अपने आप को सिर्फ इस देश इस धरती का बेटा मानता हूँ। एक बूढ़े बुजुर्ग ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, इसलिए उन्हें अपना पिता अपना गुरु माना। गुरुजी ने एक बात सिखाई थी, कहा था जिंदगी आनंद है और आनंद ज्ञान से प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त करो और ज्ञान बांटो। पढ़ लिख के मैं भी अपने आप को ज्ञानी समझने लगा, प्रोफेसर बन गया, संगीत सीखा खुशी मिली, उसके बाद नाच सीखा बहुत खुशी मिली, खाने पीने का शौक था मैंने खुद खाना बनाना सीखा, हर तरफ से खुशी से भरा रहता था मैं। अचानक मैंने अपने आप से पूछा, ये खुशी ये सुख किस लिए? मेरे लिए? सिर्फ मेरे अपने लिए? जबकि दुनिया में इतनी अशांति, छोटी छोटी बातों के लिए लोग जिंदगी से उलझे रहते हैं। सिर्फ इसलिए कि लोग जिंदगी का सबसे छोटा सबसे कीमती लफ्ज भूल गए हैं, प्यार। अचानक मैंने अपने आप से सवाल किया, ये मैं क्या कर रहा हूं, क्या पढ़ा रहा हूं? बातें, सिर्फ बातें। मैंने प्रोफेसरी छोड़ दी, एक घर ढूंढा जिसमें रुपया पैसा सब कुछ था लेकिन शांति नहीं थी। मैं नौकर बनकर उस घर में चला गया। यकीन मानो मैंने उन्हें कुछ नहीं सिखाया, सिर्फ उन्हें वो छोटी छोटी बातें याद दिला दी जो वो भूल गए थे। प्यार उन सब में था लेकिन उस पर थोड़ी सी धूल जम गई थी, मैंने सिर्फ वो धूल साफ कर दी और कुछ नहीं किया। उस घर में सुख शांति सब कुछ आ गई, मेरा सुख मेरी खुशी चार गुना बढ़ गई। बस तब से मैंने ये व्रत किया। उसके बाद दूसरे घर गया, दूसरे से तीसरे, करते करते इस घर में आया जहां सबको सुख मिल गया सिर्फ मेरी छोटी बहन को नहीं, जिसका सुख तुम्हारे हाथों में है और वही सुख मैं तुमसे मांगने आया। अरुण बाबू देर ना करो, भगवान तुम्हें सुखी रखे। और हां एक और बात, तुम्हें मेरी कसम जैसे मैंने कहा वैसे ही करना, ये बातें किसी से कहना मत। मुझे आप लोग घर में आने दीजिए चाहे ना आने दीजिए, अपनाइए चाहे ना अपनाइए, मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन भगवान के रघु भैया का अपमान मत कीजिए। ठहरो ठहरो, रघु ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, क्या हम उसकी एक इच्छा भी पूरी नहीं कर सकते? मैं इस घर का मालिक हूं। मैं इसका हाथ तेरे हाथों में सौंपता हूं। क्या हुआ क्या हुआ? जा रहे हो बगैर मिले बिना कुछ के, इतना प्यार दिया, इतना प्यार लिया उसका कोई मोल नहीं, इतने निर्दयी हो तुम। नहीं रे, इतना घुल मिल जाने के बाद जब जाना पड़ता है ना तो दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन क्या करूं बहन, जाना ही पड़ेगा। क्यों क्यों जाना पड़ेगा? तेरा घर तो संवर गया बहन, लेकिन दुनिया में ऐसे कई घर भरे पड़े हैं जहां मेरी जरूरत है, मुझे जाना ही पड़ेगा। मैंने यही व्रत लिया है ना, जो काम मैं कर रहा हूं तुम दोनों मिलकर करना, खूब प्यार बांटना लोगों में, छोटी छोटी उलझनों से बचा लेना उन्हें। इसी तरह एक से दो, दो से दस, दस से हजार हो जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता ये देश ये धरती कितनी खूबसूरत हो जाएगी, इस संसार में कितनी शांति हो जाएगी। और मैं चलू मेरी बहन, सुखी रहना खुश रहना। अशांतिमय घर की खोज में फिर से शुरू हुई रघुनंदन की यात्रा। हमें आशा है कि वो अशांतिमय घर कम से कम आपका नहीं होगा।